माँ सबिता माँ से मातृवंदना गान करिवे। माँ सबिता माँ दीदी जय गुरु जी, दीदी जय गुरु, जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। परम आराध्या श्री श्री लक्ष्मी माँ पाद जुगे मोर प्रणाम। ठाकुर परिवार जी जो था समस्त मोर भूमिष्ठ प्रणाम। मोर ऋतिक देव पाद जुगे मोर प्रणाम। समस्त ऋतिक देव अध्यक्ष राज समस्त मोर प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग अध्यक्षता करे ममता दीदी मोर जय गुरु। अंशल माँ को मोर प्रणाम जय गुरु, जय गुरु। समस्त जय गुरु। पदसन धन भरा के मायरे पाई कृषि शिल्प बहन माए तारी यंत्र अर्ण मायर एक तंत्र। पदसन धन भरा के आर्चा करी माँ केर हस्ता नेत्र मायर स्नेहल दीप्त मायर माथाय मुकुटे झलसे इष्ट सार्थ दीपन मंत्र। पद आसन धान भरा के अगणित सुत जड़ी मटुटिया ललटे लासिता अमर इंदु खिर भराबिन आयुत धारे खरी छे जीवन अमेय सिंधु। सितिर बोधन माल कंठे सारूपनिषद स्मृतिर चुमुकी झकमके वही चलने चमके ओंकार साथ चारि बर्णे झलके केश आमार मायर एमनि बेश ए तो चारि बर्णे झलके केश आमार मायर एमनि बेश ए तो स्वस्ति स्वस्ति उठे कलरवा साम्य दुलिया पुलिया धाय इष्ट आनत विप्लवी प्राण विद्रोह दलि नति जनाय। स्वस्ति स्वस्ति उठे कलरवा साम्या दुलिया पुलिया दाय इष्ट आनत विप्लवी प्राण विद्रोह दलि नति जनाय। पद आसन धन भरा के मायर पाए कृषि शिल्प बाहन मायर तारी यंत्र ओढ़न मायर एकी तंत्र। पद आसन धान भरा के जय गुरु, जय गुरु। समस्त मोर जय गुरु, जय गुरु। माँ बहुत सुंदर भाव रे मातृवंदना कले। माँ सबिता माँ तांकर सुदीर्घ निरामय जीवन जापन श्री ठाकुर पाद पद्म कामना करे। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रात्रु चलन अनंत कोटि प्रणाम। श्री ठाकुर श्री श्री बड़मा चलन कोटि कोटि प्रणाम। से ठाकुर परिवार प्रति प्रत्येक जी जो छाऊना थान्तु ना कहीं श्री चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग मध्यम जो मैंने शुणुंट सब ऋतिक शपथ ऋतिक अधर्ज जाजक मातृमंडली छोट छोट पिला समस्त मोर अंतर जय गुरु जनाए। आज मातृसम्मिलन आरंभ करने पूर्व मुझे श्री श्री लक्ष्मी मां विषय कही रखे। श्री श्री ठाकुर कहले चलनहारा चरण पूजा बंध्या पूजा वही जानिस। तो आज आम मातृसम्मिलन करने आसीचे आमर चली मातृसम्मिलन किंतु से जो ठाकुर कहले जो चलनहारा चरण पूजा से ही श्री श्री बड़मा बा जांको उद्देश्य आम मातृसम्मिलन करूचु। तांकर चलन चरित्र तांकर गुणावली कहीं सी आम मानकर आदर्श तांकर गुण बखाणीले जते सदिव नाही एवं प्रति थर मध्य तांकरी गुण कीर्तन होई चली। तेणु मु आशा करे एई मातृसम्मिलन माध्यम रे तांकरी गुण गुड़ी को तांकर चलन चरित्र गुड़ी को आम चलन चरित्र रे जदि फुटेई तोली परिबा आमर आचार आचरण आचरण उच्चारण माध्यम रे आमे सेगुड़ी को फुटेई तोली परिबा तांकर गुण गुड़ी को आम भितर संजीवित करि परिबा एवं सही भाव रे आमर परिवार टी सजाड़ी नेबा। आमर स्वामी परिवार सासू ससुर दियर ननंद जा जाउली समस्त को आपणार करि नै गोटे सुंदर सुस्थ उन्नत परिवार सृष्टि करि परिबा। ताहले जाई कि आमर एई मातृसम्मिलन करिवार सार्थक हेबो। तेने से प्रथमे से श्री श्री बड़मांकर पादपद्म रे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आज मातृसम्मिलन को आगे नौची। तेबे वर्तमान आम गहन अच्छी जलेश्वर रु माँ जयंती माँ तांको अनुरोध करी सी गोटे भजन परिवेषण करिवे। माँ जयंती माँ बंदे बधे से नहांती आम गहन रे जड़ित नहांती ऑनलाइन माध्यम रे। तो वर्तमान मु माँ जयस्मिता को अनुरोध करी सी गोटे भजन परिवेषण करिवे। माँ जयस्मिता जय गुरु जय गुरु। सुंदर भुवने तुमी भगवान तुमी भगवान तुमी भगवान। सुंदर भुवने तुमी भगवान तुमी भगवान तुमी भगवान। आमार केउ नाइ ताई तोमारी जनाय आमार केउ नाइ ताई तोमारी जनाय। तुमी जीवन मोर तुमी मोर प्राण। सुंदर भुवने तुमी भगवान तुमी भगवान तुमी भगवान। सुंदर भुवने तुमी भगवान तुमी भगवान तुमी भगवान। जार केउ नाइ तुमी ना की तार आकुल संसारे तार दिएछि सातार। जार केउ नाइ तुमी ना की तार आकुल संसारे तार दिएछि सातार। पाबोई पाबोई ओगो देखाटी तोमार पाबोई पाबोई ओगो देखाटी तोमार। ज्वलंत अनंत देव करुणा निधान। सुंदर भुवने तुमी भगवान गो तुमी भगवान। सुंदर भुवने तुमी भगवान तुमी भगवान। भवार भावना माझे ए भव कंडारी भय की आमार ठाकुर अहे श्री हरि। भवार भावना माझे বিছনে আছো দীপ্ত মূর্তিমান সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান গো তুমি ভগবান। আমার কেউ নাই তাই তোমারি জানা, আমার কেউ নাই তাই তোমারি জানা। তুমি জীবন মোর তুমি মোর প্রাণ, সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান গো তুমি ভগবান। সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান গো তুমি ভগবান। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি মোর ভগবান ওগো তুমি মোর ভগবান। যাহার কেহি নাই তুমি হউছ তার, হে পুরুষোত্তম, হে কাণ্ডারি, হে ভগবান, হে ভুবনর কাণ্ডারি। তোমাকে পাই আউ মোর ভয় নাহি, ভয় নাহি এবং ভয় নাহি, কাহিকি না তুমি হউছন্তি, তুমি হউছ মোর ভগবান। তোমার যাহার কেহি নাহি তুমি তার অছ প্রভু। বহুত সুন্দর ভাবরে, বহুত ভাবগর্ভক, ভাবদ্দীপক গীতটি আমার ভজনটি পরিবেশন কলে মা জয়স্মিতা মা। মু শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর পাদ পদ্মরে তাঙ্কর তথা তাঙ্কর পরিবারর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করুচি। সে হউচন্তি আমার অতি আদরর শ্রীযুক্ত উত্তম দাঙ্কর সান ঝিও তথা মিতারাণী মাঙ্কর সান ঝিও। তো মু তাঙ্কর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করুচি। বর্তমান আম গহণের অছন্তি জলেশ্বররু মা সন্দীপা মা। তাঙ্কু অনুরোধ করিবি সে নারী নীতিকু পাঠ করিবে। মা সন্দীপা মা। মা সন্দীপা মা অছন্তি? আজ্ঞা জয় গুরু। বিবাহ বিবাহ প্রোগ্রাম নারী নীতি টিয়া পাঠ করন্তু। আজ্ঞা আজ্ঞা ঠিক আছে। আজ্ঞা মা নারী নীতি টিয়া পাঠ করন্তু, তারপরে যা परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निश्रुत तुमर चिंता तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारण जयपरी एपरी गोटाए भावर सृष्टि करे जेउथिरे सेमाने अवनत मस्तकरे नतजानु होई ससंभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे मा मोर जननी मोर कही मुग्ध हुंती, बुद्ध हुंती, तृप्त हुंती, कुतार्थ हुंती। तेबे ही तुमे नारी, तेबे ही तुमे सती। मा परी तुमे मनीषर मा परी आपणार हेबाकु चेष्टा कर, ताहा कथारे सेवारे और भरोसारे किंतु मिसिबारे नुहे। देखिबो केते ही तुमर होई जाउची। शिक्षार धारा नारी मानंकु शिक्षित करिबाकु हेले शिक्षार धारा एपरि भाबरे हेबा प्रयोजन जेउथिरे सेमाने वैशिष्ट्यरे वर्धनशील उन्नति प्रवण और अव्याहत हुंती। तेबे जाय से शिक्षा जीवन और समाज को धारण रक्षण और उन्नयन रे सार्थक करि पारे। बाणी संख्या 16। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। माँ बहुत सुंदर भाव रे, बहुत सुंदर भाव रे, बहुत सुंदर भाव रे माँ नारी नीति पाठ कले। माँ परी आपणार ठाकुर कहते माँ पड़ी आपणार किए अच्छी कथारे सेवारे भरोसारे किंतु मिसबार नुहे। देखिबो केते ही तुमर हो जाउची। पुणी पढ़ले शिक्षार धारा नारी मानकर शिक्षार अच्छी वैशिष्ट्य वर्धनशील। तेणु शिक्षा खाली आम जानते तो वैशिष्ट्य क्या कह विशिष्टता जन जनकर जो जी जो जमी चीनी रोटे मिष्टता हूँ तार विशिष्टता वैशिष्ट्य जमी लुण रोचे लवण तो तार वैशिष्ट्य सेमती नारी मान वैशिष्ट्य अच्छी निष्ठा धर्म सेवा शुश्रूषा साहाय्य संरक्षण प्रेरणा आउ सुप्रजनन ये आठटी हूँ नारी वैशिष्ट्य। तो श्री श्री ठाकुर कहले जो शिक्षार धारा ताने वैशिष्ट्य वर्धनशील मु बहुत पाठ पढ़ी डिग्री हासिल करची बहुत चाकरी करची किंतु मो भीतर ए नारी जो सहजात गुण बा वैशिष्ट्य मो भीतर जदि फुटी उठी पारि नहीं निष्ठा धर्म सेवा शुश्रूषा साहाय्य संरक्षण ताहले बा प्रेरणा और सुप्रजनन ये जो आठटी वैशिष्ट्य मो भीतर जदि फुटी उठी नहीं कौन सी नारी भीतर जदि फुटी उठी पारि नहीं किंतु से शिक्षार बहुत डिग्रीधारी बहुत उच्च पदपदवीर अधिकारी होइले मध्य से शिक्षा शिक्षार अपलाप मात्र। ठाकुर कहले जदि जड़े बहुत डिग्रीधारी है कि जदि तार वैशिष्ट्य से उद्वर्धन हो न पारे बा उन्नति प्रवण उन्नति हो उन्नति बा से श्रेष्ठ ठारे अनति स्वीकार करवा से जदि तार हो न पारे ताहले से शिक्षा शिक्षा नुहे। बहुत सुंदर भाव माँ संदीपा नारी नीति पाठ कले। वर्तमान मातृमंगल माँ पाठ करिवे माँ करिश्मा कर आम गण ऑनलाइन जोड़ी माँ करिश्मा कर से होचंती माँ ममता उत्तर प्रदेश रे जो अच्छी आमर माँ ममता माँ माँ करिश्मा कर मुझे अनुरोध करी से जियोना करिश्मा। हाँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु मो नाम ममता जियोना करिश्मा। आज्ञा 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 आपणकर हाँ ठीक अच्छे आपंकर जियोना करिश्मा करिश्मा बहुत सुंदर आ ममता मो नाटा लिखी तो अच्छा करिश्मा ठीक अच्छे करिश्मा बर्तमान मातृमंगल किसी पाठ पढ़ पाठ करिए। मातृमंगल सतीत्व आम देश रे सतीत्वर केते आदर थिला दिने आम देश झियो माने स्वामी सहित सह मरण रे जीवाकु पर्यंत कुंठित हेउ नथिले जिनिसटा अवश्य परे विकृति लाभ करिथिला एवं एहा रहित होईछि भलो ही होईछि किंतु एहार मूलटा केउठी ताहा भलो भाबरे देखिबाकु हेबो। तो प्रकृत रे समय थिला आम देश रे एपरि सब झियो थिले जो माने स्वामी विहीन बंची रहिबा ठारु स्वामी सहित चाली जीवा काम्य मन करथुले आउ करुथले मध्य सेमाने ताहा मरीजबार बुद्धि को मु प्रशंसा करे ना ठीक किंतु एहा पछरे जो अनुरागर तीव्रता अछि ताहा ही हेला परम अमृत। एई एकनिष्ठ भक्ति श्रद्धा ही मनीष को जन्म मृत्युर ऊर्ध्व को नहीं जाई पारे एहा ही तो मुक्तिर राजपथ। जय गुरु भाबरे मा पाठ करले मातृमंगल सतीत्व आमे शांत देखू सतीत्व आग काल आम जाचु आम भी शुणीचु पढ़ीचु से सती प्रथा सब थिला आग काल सती माने स्वामी मरीगला तार जुई रे स्त्री झाँस दूसरा सेटा भी कहला सतीत्व किंतु श्री ठाकुर कहते सेटा सतीत्व नुहे सतीत्व कौन ना सेटा को पसंद करना क्या तार स्वामीर चितार जो स्त्री झाँस देकरी सतीत्व अर्जन कर सती होता सेटा कि प्रकृति सती नुहे सती कौन ना स्वामीर अनुराग बर्तनी तार भल पाइबा। हाँ माँ पढ़ु पढ़ु मोटे खाली अनुरागर तीव्रता एकनिष्ठ भक्ति स्वामी प्रति जो एकनिष्ठ भक्ति इष्ट प्रति जो एकनिष्ठ भक्ति जो भल पाइबा से हूँ मुक्तिर राजपथ प्रकृत रे एटा हूँ सती सतीता कहवा कहीं आदर्श अनुप्राणिता अच्युत स्वामीनिष्ठा एटा हूँ सतीत्वर मूल मंत्र श्री ठाकुर भाषा रे ठीक अच्छे माँ आ गोटे पाठ पढ़ु। हाँ सतीत्वर सार्थकता क्योंथि लोक कल्याणार्थे आचार्यनिष्ठ कर्ममत्तता मु यहा कहे सन्यास सती स्त्री माने किसी कम सन्यासी नुहंती सती स्त्री सतीत्वर सार्थकता पुणी स्वामी को इष्टप्राण करी तोलिबारे सेथिरे पुणी तार ही लाभ इष्टप्राण स्वामीर स्त्री 5 सेकंड स्वामी को पाई मन करे जपरी गंगा स्नान करी उठिली से 5 सेकंड मधुमय स्मृति वर्णना करने को से गुटिया महाभारत रचना करी पारे। जय गुरु जय गुरु मां सल्ला। हाँ आओ छी सतीत्वर सार्थकता सती स्त्री सार्थकता ठाकुर कहते स्वामी को तार इष्ट प्रणता को आदर्श आड़ को तेलीदेव। जो स्त्री ठाकुर कहते जो स्त्री तार स्वामी को आदर्श रु विच्युत करे आदर्श को पाखर दूरे दिए से स्त्री डाहाणी पदवाच्य, से स्त्री स्त्री नुहे। जो स्त्री ता स्वामी को देवता मान मन कर स्वामी सेवार स्वामी सुखरे सुखीनी स्वामी दुखरे दुखीनी हुए। श्री ठाकुर कहते यहीपरी स्त्री निकट रू मोर अनेक किसी शिखबार अच्छी। तेणु प्रकृति में सतीत्व केतबेले कहा कहवा ना तार सतीत्व सार्थकता हेब केतबेले जेतेबेले कि सी तार स्वामी को इष्ट पथरे परिचय माने इष्ट पथ को टाणी नब बा इष्ट पथ इष्ट को इष्ट आड़ को पेली देव। इष्ट प्राणता ता जेतेबेले तार स्वामींकर मूल मंत्र हेब सेतेबेले जेकी तार सतीत्व सेतेबेले तार सार्थकता हेब। बहुत सुंदर भाव माँ करिश्मा ना माँ ममता बहुत सुंदर भाव मातृमंगल पाठ कले। श्री श्री ठाकुर पाखरे सर्वांगीन झीर तथा परिवार सर्वांगीन मंगल कामना करी रहुची। माँ जय गुरु जय गुरु। वर्तमान आम आम ऑनलाइन माध्यम जोड़ी होती माँ संदीपा जलेश्वर रु अनुरोध करी से विवाह प्रजनन विषय रे किछि पढ़ी आमको सुनेबे। माँ संदीपा से होती श्रीजुक्त सभापति श्रीजुक्त बनिबिहारी प्रधान तथा माँ शैल दीदी सान बहु। तांको अनुरोध करी से आमको विवाह प्रजनन विषय किछि को पढ़ी सुनेबे। माँ संदीपा प्रणाम जय गुरु जय गुरु जय गुरु। श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र कथित विवाह और प्रजनन प्रसंग। प्रतिलोम कन्या को किपरि दूषमुक्त करा जाए। मोर मने हुए प्रतिलोम जात कन्या मानकर वंश परंपरा रे उच्च घरे विवाह देई उन्नततर बीज प्रभाव रे सेमानकर संतान संतति को बहु पुरुष धरी क्रमश दूषमुक्त करतुला जाई पारे। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड। झियो को विवाह देबा को हेले कोन देखिबा को हेबो। वयस्क झियो मानकर विवाह जेते होई जाए सेते ही भलो। देखिबे पुअर वंश जेपरि आपणक ठार नीच न हुए। समान समान जदि हुए ताहा बरं किंचित नीच बोली गण्य हेबार योग्य। आपणक वंश ठारू किछिटा उच्च हुए ताहा देखिबे। ताहा एकांत संभव न हेले समान समान हेबा आवश्यक आवश्यक ही। आउ पात्र पात्रीर स्वास्थ्य बयस चरित्र प्रकृति शिक्षा इत्यादिर संगतिर दिगको लक्ष्य रखिबाकु हुए। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड। केउ विवाह सफल हुए। विवाहटा खूब देखि सुनी देबाकु हुए। समाज रे प्रतिलोम विवाह जेपरि गोटे भी न हुए। पुओ जेपरि झियो अपेक्षा सब दिग दे उन्नत हुए श्रेय हुए। पुनी पुओ झियोर मध्य रे मानसिक संगति रहिबा दरकार। वयस्क झियो मानकर विवाह देबाकु हेले साक्षात संस्रवर सुयोग न देई पुअर वंश अभ्यास व्यवहार चरित्र गुणावली स्वास्थ्य चेहरा पसंद अपसंद इत्यादि विषय ताकू जणाई तार मत नहीं विवाह देवा भल। स्त्री जदि स्वामी को श्रद्धा करे ता पाई कष्ट सही मध्य निजको सुखी और सार्थक मन करे ता हेले ही सही विवाह सफल हुए। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड। संतान स्वास्थ्य बुद्धि आयु इत्यादि उत्कर्ष केउथिरे हुए। आयुर एक वंशगत धारा अछि किंतु स्वामी स्त्री मध्य जो गभीर पवित्र प्रणय अछि। स्त्री जो स्वामी को निजर सत्य ज्ञान करे भल पाए स्वामी जो स्त्री को निबिड़ स्नेहर चक्षुरे देखे से ठारे संतानर स्वास्थ्य बुद्धि आयु इत्यादि उत्कर्ष हेब ही। अवश्य स्वामी इष्टमुखी हेबा ही दरकार। स्वामी जदि स्त्रीमुखी हुए से ठारे स्त्री एही स्वामी को बेसी दिन श्रद्धार चक्षुरे देखि पारिबो नाही। ता व्यतीत स्वामी स्त्री उभयंक मध्य सेतेबेले प्रवृत्ति रही प्राधान्य देखा जाए। एही भावरे मनीष जदि इष्टकृष्टि और सदाचार परायण हुए विवाह जदि ठीक भावरे हुए शिक्षा और परिवेश को जदि किछि परिमाण रे सुगठित करि तोला जाए ओ झियर अवश्यंगतव्य जहा आवश्यक जहा से गुड़िकरे जदि सेमानंकु सड़गड़ और सक्रिय करि तोलंती देखिबे देशर लोकंकर स्वास्थ्य आयु कर्म क्षमता केते मात्रारे बढ़ी जिवो। आउ सुजनन और सुयोग्यता पाई वर्णाश्रम सम्मत चलन दरकार। एगुड़िक सीधा सड़ख विज्ञान कथा आंभ मान हाथ भीतर कथा। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड। जयगुरु। जयगुरु। जयगुरु माँ, बहुत सुंदर भाव में माँ पाठ कले विवाह प्रयोजन आमर ठाकुर कथा बाणी अच्छी। प्रतिलोम कुएर जनम राष्ट्र समाज जातिर जम। प्रतिलोम यदि विवाह है से पाखु जो से स्वामी स्त्री पाखु जो संतान सृष्टि हे से हूँ देश जातिर जम सदृश बा विषतुल्य से संतान। तेणु ठाकुर कहते जिते प्रकार प्रतिलोम जो संतान को प्रतिलोम विवाह को जिते प्रकार अवलुप्त करहब बा जेते न करा जाए सेते ही भलो। जदि कौन सी क्षेत्र रे प्रतिलोम कन्या बा विवाह हो जाए से क्षेत्र में कौन करना से इष्टों पाखे अच्युत इष्टनिष्ट हो जदि से रही पार से क्षेत्र में किसीटा से दशमुक्त हो पार। पुणी कहते ठाकुर कहते झील को बहुत देवाक आम तार देखा बर बर मान जानू श्रेष्ठ से वर्ण रे बयस रे विद्या रे वंश मर्यादा रे सबुथ रे कन्या ठारू श्रेष्ठ हवा दरकार। से ही बर को जदि आम बरण करिया पुणी से हूँ अनुलोम विवाह जदि संगठित हो पारिबा ताहले ता पाखरु सुस्थ उन्नत संतान सृष्टि परिबो। पुणी खाली जे अनुलोम विवाह हेले जे भल संतान सृष्टि हेबो ता नहे माने भल संतान सृष्टि हेबो किंतु से जो परिवेश ता पई दरकार उत्तम परिवेश एवं सेति पई दाई होचंदी बापा माँ। बापा माँ जदि पिला को ठीक परिवेश देकरी बा इष्टमुखी करी तले परिवे ताने कहीं ना आमर माँ बा बापा प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य हूँ आम संतान को इष्टमुखी करी तलैबा। तेणु यही विवाह माध्यम सुसंतान आनिबा एवं ताकू इष्टमुखी करी तलै जदि पारिले आम समाज रे गोटे गोटे सुसंतान बा देवोपम संतान आम प्रति परिवार पाई परिबा। जयगुरु माँ, बहुत सुंदर भाव में माँ मातृमंगल ए माँ विवाह प्रयोजन पाठ कले। बर्तमान आम गहन रे अछंती माँ सविता, तांको अनुरोध करी सी गोटे भजन परिवेशन करिवे। माँ सविता। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। समस्त मन प्रणाम। जय गुरु। जय गुरु। स्वर्ग जहार सिंहासना धीर जहार पाद पीठ मुसे ही प्रभु का पदा तले भक्ति अंजलि ढाले भक्ति अंजलि ढाले। स्वर्ग जहार सिंहासना पृथ्वी जहार पाद पीठ मुसे ही प्रभु को चरण रे भक्ति अंजलि ढाले भक्ति अंजलि ढाले। सेना मोरे अंध देखी थिला जेना मोरे छोटा चाली थिला जेना मोरे अंध देखी थिला जेना मोरे छोटा चाली थिला सही तमोहार जीवन संगीत सही तमोहार जीवन संगीत जिना में मु शांति पाए जेना में मु शांति पाए। स्वर्ग जहार सिंहासना पृथ्वी जहार पाद पीठ मुसे ही प्रभु पाद तोले भक्ति अंजलि ढाले भक्ति अंजलि ढाले। जेना मोकु तो डरे थिला पापो को मानी सबले गला जे नाम को मृत्यु डरे थिला जे नाम रे पापी तरे थिला पाइछि से नाम देई मो जीवन पाइछि से नाम देई मो जीवन तांकोरी चरण तले तांकोरी चरण तले स्वर्ग जहार सिंहासन पृथ्वी जहार पदपीठ मु सेहि प्रभुको चरण रे भक्ति अंजलि ढाले भक्ति अंजलि ढाले भक्ति अंजलि ढाले। जय गुरु दीदी समस्त मोर जय गुरु जय गुरु जय गुरु। माँ बहुत सुंदर भाव में माँ भजन टी प्रवेशन कले। स्वर्ग जहार सिंहासन पृथ्वी जहार पादपीठ मु सेहि प्रभु पाद तले भक्ति अंजलि ढाले। एत सुंदर भाव से स्वर्ग सी हूँ स्वर्ग सी हूँ पृथ्वी एवं मुझर पाद पद्मे भक्ति अंजल ढाले। करुणा हेले अंध देखिपारे छोटा चली पारे कथा शास्त्र अच्छी मुकं करोति वाचालं पंगु लंघयति गिरिं जत्कृपां तमहं वंदे परमानंद माधव। से परमानंद माधव तांकरी इच्छा हेले पंगु गिरी लंघी पारे एवं अंध मध्य देखी पारे छोटा मध्य चली पारे। आम आज से आमर को से नाम को से जो तांकरी जो सत नाम बा बीज नाम तांकरी जो नाम से नाम को एवं पापी दिने डोरी थिला एवं मृत्यु मध्य डोरी की पळे जाए। तेन से नाम को आमे आज यदि नाम मालिक करी जपिबा ताहले आमर आज ओह भाग्य आमे से नाम को आमे पाइचु। तेनु आमे महाभाग्यवान से नाम को आज पाइचु से नाम को आमे पाइचु। एई से नाम को जपमाली करी आमे तरीजबा तांकरी पाद पद्म रे आमर श्रीपाद पद्म रे आमर भक्ति निवेदन करी करी आमने तांकर नाम को गाई चलिबा। बहुत सुंदर भाव रे माँ सविता बहुत भावदीपक भजन टी परिवेशन करे। प्रभु ठारे तांकर तांक परिवार सर्वांगीन मंगल कामना करुछि। से आमको आग को आहुरी आहुरी एमती सुंदर 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 भजन परिवेशन करी सुनेबे। वर्तमान माँ आम मानकर सत्संग ऑनलाइन जड़ित अच्छा सुदूर कटक रु माँ दीपाली माँ सी होती आमर सह प्रतिनिधिक श्रीजुक्त श्यामसुंदर देकर सहधर्मिणी। तेणु मुझे अनुरोध करी से वर्तमान भगवत गीता पढ़ी आमको सुनेबे। माँ दीपाली माँ दीपाली माँ माँ बर्तमान सी बोधे टिके ऑफ रे देखा जाए कौन हो बर्तमान मु अनुरोध करी माँ जयंती माँ जदि थिबे ऑनलाइन जड़ित थिबे माँ जयंती माँ जलेश्वर माँ जयंती माँ जदि थिबे। हेलो हेलो जय गुरु। हाँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु। बर्तमान टिके भगवत गीता करिवे तापरे प्रस्तुत रहिबे माँ जयंती माँ भजन परिवेशन करिवे। वर्तमान माँ दीपाली माँ भगवत गीता के अंश पाठ करिवे। जय गुरु समस्त को मोर प्रणाम। जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग। भगवान उवाच एई जे अक्षय जोग सुनिले जा तुमी अर्जुन सूर्य के पूर्वे बलियाछि आमी सपुत्र मनु के सूर्य कहिला सादरे पुत्र इखा कुके मनु बोलिलेन परे। एई रूपे क्रमे क्रमे राज ऋषिगण परस्पर प्राप्त जोग अवगत हन। एभवे कौरव रवि क्रमे काल बसे ऐसे ही जगे होई आचे नष्ट अवशेषे। आमार परम भक्त सखा तुमी मम ताई सेई पुरातन जोग निरूपम। कहिनु तोमाय आजी नाही कही तबे ए गुढ़ तत्व सखे सर्वोत्तम भवे। अर्जुन उवाच पूर्वे ही सूर्यर जन्म तब जन्म परे सूर्य के कहिले कृष्ण जोग की प्रकारे। भगवान उवाच तोमार आमार पार्थ बहु जन्मगत से सब ना जानो तुमी आमी अवगत। जन्महीन अविश्वासी सर्वभूतेश्वर हईयाओ आमी देख पार्थ धनुर्धर। सियपति प्रकृति धरी आत्ममाया बोले आसिया अद्भुत भवे यह सुकौशले। धर्म ग्लानी पाप बुद्धि जखन जखन आविर्भूत हई आमी अर्जुन तखन। साधु देरे परित्राण दान करिबारे पापी देरे ध्वंस नीति साधने रे तरे। धनंजय धर्म धन स्थापन करिते जुगे जुगे अवतीर्ण हई अवनीते। हेन जन्म कर्म मम यथार्थ जे जाने आमाके पाए पार्थ देह अवसाने। राग भय क्रोधहीन आत्म पराजय आमार आश्रय ज्ञान तबे शुद्ध मन। एमन अनेक जन पाप शून्य जारा यथार्थ आमार पाइयाछे तारा। जे भावे जे जन करे भजन आमार सेई भावे अनुग्रह करी आमी तार। सकाम निष्काम पूजा जे करे जे मन सर्वदा आमार पथे करे आगमन। इहलोके काम कर्मे सिद्धि चाय जारा देव पूजा करे मुक्ति नहीं पाए तारा। निष्काम कर्मे ते मुक्ति हई सुनिश्चय अक्षय परमा शांति सत्तर उदय। गुण आर कर्म देखी देखिया विभाग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि भाग। एई चारि वर्ण आमी करेछि धराय कर्ता हईयाओ आमी लिप्त नाही ताय। कर्मे ते आसक्ति मम नाही धनंजय कर्म फले कोन काले स्प्रिया नाही हय। एई रूपे भाव मम अवगत जिनी कर्म करी कर्मे बद्ध नाही हन तिनी। ए रूप कर्मेर भाव जानी अनुखन पूरा काले जोगी जत मोक्ष परायण। ताहाराओ करेछेन कर्म समुदय तुमिओ एखन ताई कर धनंजय। सेई रूपे कर्म कर करिला दे मन जनकादि पूर्वतन महारिषिगण। किबा कर्म किबा अकर्म पंडित सकल ना पारी करिते स्थिर विबल केवल। एई कर्मे जानिले तबे विमुक्त बंधन से कर्मे तोमाय पार्थ बोलिब एखन। कर्म ई निष्काम कर्म बुझा ताई तारे विकर्म कर्मेर त्याग बुझिबे संसारे। अकर्म सकाम जहा करे ज्ञानहीन निगाढ़ कर्मेर गति बुझिते कठिन। कर्मे ते अकर्म जैसे जेई करे दर्शन अकर्मे ते कर्म आरे देखे जेई जन। सेई बुद्धिमान भवे ज्ञान अधिकारी सर्व कर्म करिया निर्लिप्त संसारी। ब्रह्मे थाकी कर्म करे निष्काम धीमान कर्म तार काछे सकली समान। कामना संकल्प हीने सर्व कर्म जार ज्ञान नले कर्म दग्ध हई आछे आर। पंडित बोलेन ताके ज्ञानवान सबे पांडव पंडित तिनी यथार्थ ई भवे। नित्य तृप्त निराश्रय फलाकांक्षा त्यागी कर्म करिले कहे कर्म फल त्यागी। निष्काम संग्रह त्यागी संजमी जे जन देह रक्षा हेतु कर्मे पापी नहीं हन सामान्य संतुष्ट आर भेद ज्ञानहीन सिद्धि असिद्धि ते हर्ष विषाद विहीन शत्रु शून्य सदा दिनी पांडुरु नंदन सर्व कर्म करिया बद्ध नहीं हन निष्काम ज्ञानस्थ मुक्त साधु सदाशय ईश्वरार्थे कर्म करे कर्म पाए लय यज्ञ पात्रे घृते जार ब्रह्म बोध होय ब्रह्माग्निते ब्रह्म होम देखे ब्रह्ममय ब्रह्म लाभ होय तारे ब्रह्मे लक्ष्य राखी सर्वदाई ब्रह्म कर्म समाधिते थाकी दैव योगे करे केह करे कौन जन ब्रह्मा नले मंत्र बोले यज्ञ समापन कौन कौन योगी पार्थ बसी होम करे संयम अनले फेली इंद्रिय निकरे केह केह शब्द स्पर्श इंद्रिय विषय इंद्रिय ते राखी मात्र अनासक्त होय इंद्रिय रे जे कर्म से समुदय प्राणवायु जुगे आरे जे कर्म होय समाप्त अर्पण केह करे सुकौशले ज्ञानेर प्रभावे आत्मा संजोग नले दान तबे रत केह केह योगी होय सुसंजत ज्योति ज्योति जत ब्रह्म ज्ञानमय निश्वासेर ऊर्ध गति पान बोले तार आपन नामे ते सास अध दीते धाय ऊर्ध अध गति स्थिर होय जे क्रियाय अपूर्व से क्रिया बोले प्राणायाम तार प्राणे ते आपन केह आपनाते प्राण पूरक रेचके करी आदान प्रदान एन प्राणायाम केह आचरण करे इंद्रिय संयमे केह प्राणे प्राणे धरे यज्ञ करी पाप शून्य एन साधुगण करेन यज्ञेर शेष अमृत ग्रहण यज्ञ फल से जो अमृत लोभी सहजतने प्राप्त हन सनातन परम ब्रह्म धने कि कहिब यज्ञहीन मानवेर कथा इह लोक नष्ट तार परलोक कथा जग ब्रह्मज्ञेर मुखे व्यक्त बहु यज्ञ विधि कर्मेर साधन ताहा कुरुकुल निधि हेन जानी ज्ञान निष्ठा करिबे जखन संसार बंधन तब घुचिबे तखन ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ पार्थ द्रव्य यज्ञ होते ज्ञाने तेईर कर्म शेष जानो भालो मते तत्त्वदर्शी गणे तुमी प्रणिपात करी सेवा कर ताहादेर आज्ञा शिरे धरी जिज्ञासा सन्देह जत अंतरे उदय तत्त्व उपदेशे तारा दिबेन निश्चय सेई जगे अवगत होले एक बार पुनः हेन मोह पार्थ हबे ना तोमार आत्माते आमाते शेष ज्ञानेर नयने देखिबे अशेष रूपे सर्वभूत गणे सर्वपापी होते जदि हो पापाचार ज्ञान धरी तरी धरी जाबे पापार मन पापार नब पार ज्वलंत अनल यथा काष्ट करे क्षय ज्ञान नले सर्वकर्म भस्मीभूत होय सर्वत्र किछुई नहीं ज्ञानेर समान कर्मयोगी यथा काले पान आत्मज्ञान श्रद्धावान जितेंद्रिय एकनिष्ठ जन ज्ञान लोभी अचिरात मुख्य प्राप्त हन अज्ञानी संदेही आर श्रद्धाहीन नय ना पाए अभीष्ट फल नष्ट अतपर तार मध्य जार पार्थ संदेह सदाई इह परलोक सुख किछु ना पाए किछु तार नहीं जोग पथे कर्म ताजार आत्मार नियर्पित सकल संदेह जार ज्ञाने निश्वसित हे वीरेंद्र जितेंद्र विश्वजयी तारे संसारेर कर्मे कबू बांधिते ना पारे ताई बोली धर्मवीर हो ओठो धनंजय अज्ञानेर फल एई मनेर संशय ज्ञान रूपे खड्ग हाते खंड खंड करी तार कर्म जोग उठ पांडव केसरी इति श्रीमद् भागवत गीता सुपनीत शिव ब्रह्मा विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख ज्ञान योग चतुर्थ अध्याय। जय गुरु मा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु मा, जय गुरु। बहुत सुंदर भाव सांख्य योग विषय को पढ़ी सुनइले विशेष करके रेचन पूरण प्राणायाम आग ध्यान धारणा सब ऊर्धर हूँ कर्मयोग से भगवान गीतार कहले ईश्वर कर्म कर धनंजय ईश्वर कर्म छड़ा आउ जते कर्म सब ही बंधन। तेणु कर्म तो विभिन्न प्रकार रही कहीं मनीष जन्म होती समस्ते खाली मनीष कहीं छेली कुकुर गाई समस्ते कर्म करूँ आम जी प्रभु कर्म करवा से आम श्रेष्ठ कर्म एवं ता छड़ा आउ जते कर्म सब आम बंधन बंधन बा बंध्या। तो बहुत सुंदर भाव में माँ पढ़ी शुणेले दीपाली दीदी बा दीपाली बौदी आर सर्वांगीन उन्नति माने प्रेरणा रे मुझे आज मातृसम्मिलनी परिचालन करने को सुजोग पाई भूल थी क्षमा करिवे दीदी। बर्तमान बहुत डर जाए भूल थी सुधारी ने दीदी कहबेनी एबे एला सयदी फोन करी कहबेनी बढ़िया होजी बिली ना आपण मनकर आशीर्वाद आ किछि ने मु आपण बंकठार केते सानो केते मोर से विषय किछि भी धारणा नाही। और जाओ वर्तमान आगे नेबा मातृसम्मिलनी को वर्तमान आम गहन रछंती जलेश्वर मा सीमा जे गोटे भजन परिवेशन करबे तापरे प्रस्तुत रहिबे से मा जयंती से किछि कहबे आमर आज आलोच्य विषय विषय किसी कह बर्तमान अनुरोध करुच्ची माँ सीमा से भजन टे परिवेशन करेंगे। माँ सीमा समस्त को प्रणाम। सागर बाली रे मंदिर गढ़िली तुम निष्ठुर सागर रे मंदिर गढ़िली तुम निष्ठुर सागर न बुझिला किछि देला दुई बुझाई कहिलो दरदरी बुझाई कहिलो दरदरे रहिब मन मंदिर रे रहिब मन मंदिर रे ओ सागर बाली रे मंदिर गढ़िली तुम निष्ठुर सागर न बुझिला किछि देला दुई खणिक मंदिर भूली गली तुम साधना रे माती गली मन करिन मोम करंद मन प्राणे मोर के आनंद खणिक मंदिर भूली गली तुम साधना रे माती गली मन करिन मोम करंद मन प्राणे मोर के आनंद बसीची मुत प्रतीक्षारे बसीची मुत प्रतीक्षारे रहिब मन मंदिरे रहिब मन मंदिरे ओ सागर बाली रे मंदिर गढ़िली तुम निष्ठुर सागर न बुझिला किछि देला दुई सुभिलाणी तम कंठ स्वर दिसिलाणी तम श्री पयर श्रीअंग सुबसे आनंदित मन प्राण आजी पुलकित सुभिलाणी तम कंठ स्वर दिसिलाणी तम श्री पयर श्रीअंगुभसे आनंदिता मन प्राण आजी पुलकित तुम पाई मोर मन जुरे तुम पाई मोर मन जुरे रहिब मन मंदिर रे रहिब मन मंदिर रे ओ सागर बाली रे मंदिर गढ़िली तुम पाए निष्ठुर सागर न बुझिला खिंची देला दुई जनमे जनमे तुमे साथी जीवन रथ रहे सारथी काने काने प्रभु कई कथा हरिल प्रभु ए दुख व्यथा जनमे जनमे तुमे साथी जीवन रथ रहे सारथी काने काने प्रभु कही कथा हरिल प्रभु ए दुख व्यथा मिलन आनंदे निरादरे मिलन आनंदे निरादरे रहिब मन मंदिर रे रहिब मन मंदिर रे ओ सागर बाली रे मंदिर गढ़िली तुम पाए निष्ठुर सागर बुझिला केची देला दुई सागर बाली रे मंदिर गढ़िली तुम पाए निष्ठुर सागर न बुझिला खिची देला दुई बुझाई कहिली दरदरी बुझाई कहिली दरदरी रहिब मन मंदिर रे रहिब मन मंदिर रे सागर बाली रे मंदिर गढ़िली तुम पाए निष्ठुर सागर बुझिला खिची देला दुई सागर बाली रे मंदिर गढ़िली तुम पाए निष्ठुर सागर बुझिला समस्त प्रणाम 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 जय गुरु माँ जय गुरु। बहुत सुंदर सागर बाली रे मंदिर गढ़िले तुम पाई निष्ठुर सागर किछि न बुझिला ताकू देला धोई कि सुंदर भाव से छोट पिलाटी हेले मध्य तार कंठ अति मधुर सागर बाली रे से मंदिर गढ़ी किंतु सागर बाली रे जब मंदिर गढ़ावे से निश्चित निश्चित भाव से तार ढेउ निश्चित भाव धोई देव तथापि तार से धोई नेला परे भी से मकरंद पान करी से तार क्षणिक जीवन मंदिर टाक जे धोई नेला से ता मंदिर जीवन क्षणिक से क्षणिक जीवन मध्य से प्रभुंकर मकरंद पान करी निजकू धन्य मन करूची कथार भागवत अच्छी गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद सेम परंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पयरे मनम थाऊ निरंतरे मनम निरंतरे थाऊ हाकृष्ण बोली जीव जाऊ हाकृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धर राधा धव। तेणु यही श्रीकृष्ण से परम दयाल से परम पिता चरण रे माने से छोट पिलाटी सीमा माँ सर्वांगीन मंगल कामना करी आमे आमर मातृसम्मिलनी को आगे नेबा। वर्तमान आम गहण उपस्थित अछंती माँ जयंती माँ से आमर आज आलोच्य विषय जाति जन्म जीवन नारीर हाते से विषय किसी आलोचना करेंगे। ता पूर्व मु किसी ए विषय रे सम्यक धारणा देवाक चाहूँगी। आमर आज आलोच्य विषय रखा जाइछि जाति जन्म जीवन नारीर हाते। प्रकृत नारी हूँ भाषा हूँ नारायणी समाज मानव समाज ए मानव समाज रे नारी पुरुष दुईटी जिनस बा दुईटी श्रेणी तथा दुईटी श्रेणी को लेकिन हूँ आदर्श समाज गठित तो होची मात्र तार एथर नारीर भूमिका हूँ बेसी कारण नारी हूँ गोटे भविष्य वंशधर को से जन्म दे पारे एवं तार नालन पालन करे से दिन श्री श्री ठाकुर कहले जिते से सांग घर पाखे सांग पुटी को देखले जो सी गोटे पुओ को धरी गोटे झील को काखी से कहते अरे तू पुटी तू गोटे झील होकर तू पुणी गोटे झील को जन्म दे पार्चु पुणी गोटे पुओ को जन्म दे पार्चु से दिन ठारू से माँ मान प्रति झील मान प्रति श्री श्री ठाकुर जो मान सम्मान से माँ माने पाद तले से लोटी आई तेणु से माँ मान से कहते ठाकुर कहते ओमेन इज द कीस्टोन ऑफ फैमिली आर्क मान गोटे परिवार जीवन चाबी काठी होती नारी ठाकुर कहते पुरुष नष्ट हेले नष्ट हुए ना किसी किंतु नारी गोटे नष्ट गोटे जाति नष्ट हो मानने नेपोलियन बोनापार्ट कहले गिव मी सम गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन मत के भल माँ दियो मु तुमको गोटे भल जाति देवी ठाकुर कहते नारी ठारू जन्मे जाति थिले जातक तेबे तो जाति जदि जातक थिबो ताहले सिना जाति हेबो जेठी जातक माने संतान को बुझे सुसंतान को बुझे जेठी सुसंतान सृष्टि जाति तो बहुत जाति अछि पशु जाति मनुष्य जाति एठी मनुष्य जाति माने सुसंतान बस भलो मनुष्य जाति को कहा होछि जे गोटे नारी ठारू भलो मनुष्य जन्मिबो सेही जाति कथा कहै छै कहिना जाति बहुत अछंती पशु जाति पक्षी जाति विभिन्न प्रकार जाति किंतु आम साधारण मनुष्य जाति कथा आलोचना करूचु एवं मनुष्य गोटे सुसंतान भल मनुष्य जाति भल मनुष्य कमी गोटे माँ ठारू आसीपार से कहीं श्री ठाकुर चाबी काठी धराई देले माँ मान हाथ में से हूँ स्वर्गर माँ मान हूँ स्वर्गर द्वार माँ गोटे माँ पाखर सुंदर जाति सृष्टि पार ठाकुर कहले नारी ठारू जन्मे जाति नारी अटे प्राण नारी कोले जन्म नियंती जुगे जुगे भगवान तेणु नारी गोटे होउची भविष्य वंशधर जननी जड़े माँ ता संतान जीवन निर्माण करी आउ जड़े भौणी ता भाई शक्ति साहस प्रदायिनी आउ जड़े पत्नी तार पति प्रेरणा दायिनी नाम गोटे नारी गोटे माँ जदि ए तीनोटी मुख्य भूमिका जदि अवतीर्ण होई तार निष्ठा बा तार जत्न देकरी जदि तार कर्तव्य को सुचारू पालन करि परिबो ताहले हम गोटे परिवार रो आदर्श व्यक्ति मान को पाई परिबा ठाकुर कहते मातृजाति कदापि दुर्बल नुहति शक्तिर अंश तार जन्म तुम्हें सती होई उठ लक्ष्मी होई उठ ससुर कुलर साम्राज्ञी होई उठ दुर्गति नाशिनी होई उठ असती निरोधी होई उठ असुर नाशिनी होई उठ से दिन रवींद्रनाथ ठाकुर कहले ए न जागिले तुम्हें भारत लड़ना ए भारत केबे जागे ना जागे ना तेणु ये आदर्श नारी जो गोटे नारी जे जन्म करपी से आदर्श माने अतुट आदर्श पाण हवा दरकार तार स्वामी भक्ति रही दरकार आम साधारण देखुचु आम गाई गोटे कुकुर तार जन्म जेपरी भल हम तापाई कि विज्ञान सम्मत भाव आम केते चेष्टा करूचु हाइब्रिड तार ये शंकर जातीय माने सृष्टि करने कि आम केते इंजेक्शन देकर केते डाक्टर डाकी तापाई चेष्टा करूचु किंतु गोटे मनुष्यर सुजनन दिगरे आम कदेबी केबे भी हेले मध्य चेष्टा करू नाही कहीं किंतु यही मनुष्य जदि गोटे सृष्टि होता सीना गोटे समाज सृष्टि हो राष्ट्र सृष्टि होता सृष्टि हम किमती ना गोटे माँ चाहिए से ठाकुर कहते सत्संग ठाकुर सत्संग हूँ मनुष्य तैयारी कारखाना मनुष्य माने तार कारीगर हूँ बापा माँ गोटे शुद्ध प्राण शुद्ध इष्ट प्राण शुद्ध पवित्र आत्मा बा माँ गोटे सुसंतान जन्म दे पारे गोटे सुसंतान जन्म देवार गोटे माँ हूँ 90% दायित्व तेणु एटी बुझा जे आम माँ आम मान केते दायित्व गोटे जदि पिला जन्म कर ठाकुर कहले आम मान 100% रु पुरुषर 10% माँ रोटे 90% तेणु गोटे माँ रोदी 90% दायित्व से गोटे भल संतान सृष्टि कर माँ टा किमती हवा दरकार तार शुद्धता पवित्रता हम किमती ना तार शुद्धता ठाकुर कहले आम चाहिए शुद्धात्मा तार शुद्धता तार पवित्रता तार इष्टानुरूपी चलन एवं सर्वोपरि सर्वशेष गोटे जो सुसंतान पाइबा तार जो व्याकुलता से व्याकुलता ही गोटे सुसंतान जननी करके ठाकुर कहले माँ हवा कि सहज कथा खाली प्रसव करदेले हुए माता माँ गोटे हवा एत सहज कथा नुहे ठाकुर कहले तुम्हें मनुष्यर माँ परी आपणार हेबाक चेष्टा कर आम भाविबा से आम चिंता करबा से ठीक से ठाकुर जो माँ कथा कहिसेंती आम कोन सतरे से माँ हे परिचे कहीं ठाकुर कहले नारीर सार्थकता हूँ मातृत्व गोटे जदि से सुसंतान देश जाति को परिवार को पोढ़ोकन दे पारिबो ताहले तार नारीत्व बा तार मातृत्व जाकि सेतेबेले जाकि तार सफल होई पारिबो। तापर आसला जीवन जाति जन्म जीवन जीवन हूँ जी आउ बन जी माने जी रहिबा बा बंची रहिबा आ बन माने विस्तार लाभ करिबा बंची रहिबा समस्ते बंची रहिबा पई समस्त आदिम आख्या खाउछ समस्ते बंची रहिबे किंतु ये बंची रहा आम जी प्रभु बंची रहा कर्म पीड़ितार्थ कम करवा किए कम कले किमती भाव में मोर बसवा खाइबा उठा शोवा नीतिदिनिया चालीचलन से प्रभु को खुशी करने मुझे करी मोर प्रभु खुशी हे तो मु गोटे मो संतान को यही भाव में इष्टमुखी संतान चर्या ठीक भाव में लालन पालन करी मोर गोटे सुसंतान सृष्टि करने साहय करी कि मो संतान को इष्टमुखी जदि करदे पारिबी ताहले सेइटा होउची जी बाबा बंचीबा नहले समस्ते तो बंची रहिचंती समस्ते तो जी रहिचंती किंतु प्रभु को पई जीवा तांकर कर्म करबा एवं विस्तारित लाभ करबा से विस्तारित लाभ करबा अर्थ सेही आदर्श आड़े अनुराग अच्युत आदर्शनिष्ठ होई चलीबा तांकरी पथरे चलवारी दीक्षानुशीलन हो सतनाम दियत जजन जाजन इष्टभूति स्वस्थ सदाचार को कांटे काटे मानि चली धारा धारित हो चलवा से विस्तारित हवा जेकोसी कर्म है जदि इष्ट आदर्शमुखी हुए तेरे तार परिणाम हूँ शुभ होता है फलप्रसू होता है सुंदर होता है जी जिते निखुण भाव में ये आदर्शमुखी आदर्श को धरी चलो ताहले तार जीवन से शांति स्वस्ति अतृप्तिर आनंद लाभ कर ईश्वर प्रीति कर गीतार भगवान कहले ईश्वर प्रीतियार आराधना करे से सकल कर्म करे अनुष्ठान करे यह भिन्न अन्य कर्मे बंधन निश्चय ईश्वर कर्म कर कर्म ईश्वर तारे कर्म कर धनंजय तेणु ईश्वर कर्म करवा हूँ सत्कर्म बा सही कर्म ही आम करणीय एवं आउ सब कर्म ही बंधन तब ए विषय माने अनुरोध करी माँ जयंती माँ जलेश्वर अच्छा माँ जयंती माँ से ए विषय टिके हमको आलोचना करी सुनेबे माँ जयंती। जय गुरु माँ अति जन्म जीवन नारीर हाते जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर को पाद पद्म रे मोर अनंत कोटि प्रणाम लक्ष्मी माँ को मोर कोटि कोटि प्रणाम ठाकुर परिवार समस्त को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम ऑनलाइन रे मातृसम्मिलनी उपस्थित समस्त को मोर प्रणाम एवं अध्यक्षता करुवा ममता माँ को मोर प्रणाम। आज विषय है जाति जन्म जीवन नारी हाथ में। प्रथम आम कहवा नारी क्या कह जाए नारी शब्द मध्य आम जो अर्थ देखा पाऊ ताहला नारायित इति नारी अर्थात पालन पोषण और वर्धन प्रभृति गुण गुड़िक भित्ति करी ही नारी को नारी नाम अभिहित करा जाए। प्रथमे दरकार उपयुक्त विवाह उपयुक्त दाम्पत्य जीवन तेणु आमे जदि गोटे गछ लगाउछु ता मूलरे जदि ठीक भावरे पानी न देउ किंबा तार ठीक भावरे जत्न न नेउ तेबे से गछरु भल फल फूल फलिबो नाही। सेही भली मध्ये आम जीवन विवाह ठीक भावरे न हेले सबु गोलमाल। विश्वर पुरुष और नारी उभय को नहीं संसार रचित हेले मध्ये जीवन बुद्धि पथरे जन और जाति को चलाइबार दायित्व प्रकृतिर विधान अनुजाई नारी अधिक। नारी नारायण शक्ति स्वरूपिणी महामाया जीवंत प्रतिमूर्ति नारी ही मनुष्य को जन्म दिए और ताकू निजर योग्यता अनुजाई पालन पोषण परिचर्या शिक्षा दीक्षारे मनुष्य करी गढ़ी तुले। एहीपरि भावरे ही नारी ठारू जनजाति सृष्टि हुए तेणु नारी को केते प्रकार आख्या दि जाए गृहर मणि सदृश हो गृहिणी स्वामी को पतन रु उद्धार कर पत्नी मही अच्छी बाला हो महिला काहारी शत्रु बा ओरी हो नारी गृहर भार बा कार्य तुलाउ भार्जा सबु क्षेत्र रे नारी मानू को प्राधान्य दि जाए कारण आज माँ माने सबु असंभव काम को संभव करी तेनु जो संसार स्त्री स्वामी प्रति गभीर भल पाइबा देई स्वामी भितरे निजो को हराई देछि से संसार अभाव अनटन भितरे रही मध्य तृप्ति रे अभाव हुए नहीं सेठारे सबु रहिबा सत्ते हाकार मध्यरे दिन कटाइबा को पड़िथाए। जे स्त्री स्वामी और संसार प्रति सहन सहानुभूति और दायित्व संपन्न न होई उपचयी सेवामुख विमुख भी भोगोपकरण और खुराक पोषणकारी दाबी करे स्वेच्छाचारिणी क्षपणा से संसार दूरित तो दुर्भाग्य प्रसर तार सर्वनाश। तेणु सबु दीप जेपरी निजे जली अन्य को आलोक प्रदान करि थाए आजिर नारी सेपरी हेबा को कुंठाबुध करुछि। आजिर नारी भूली जाइछि से ही दशभुजा दुर्गा ता भितरे अछि असरंती शक्ति। परिवारर सबु दुर्गति नाश करी समस्तको मुखरे समस्तको सुखरे रखिबार चाबिकाठी ता हातरे। तेणु नारी तार वैशिष्ट्य को लक्ष्य रखी चली पारिले से हेबो जगत कल्याणकारिणी। आ गोटे कथा सेवा हेउची नारीर जन्मगत गुणगुट गुड़िक मध्यरे गोटे प्रधान गुण। ए कथा प्रत्येक नारी जानिबा आवश्यक। नारी ठारे विधाता आउ एक गुण प्रदान करिछि ता हेला प्रेरणा। नारी सहजरे ही माता रूपे पुत्र को स्त्री रूपे स्वामी को एवं भगिनी रूपे भाता को प्रेरणा देई मंगल बा उन्नति रे पथरे आगे देई पारे। विश्वकवि रवींद्रनाथ लेखनी रे गाई उठिचंती धुई पोछि दियो धूलिर चिन्ह जुड़ी दियो जते भग्न चिन्ह सुंदर कर सार्थक कर पूंजित आयोजन। तुम्हें आसो आसो नारी आनग तीर्थ बारी सिग्ध हसी बदन इंदु सीमंते आंकी सिंदूर बिंदु सुंदर कर सार्थक कर शून्य ए मोर गृह आसो कल्याण नारी बहिता तीर्थ बारी। आज समाज रे भल मनीषर अभाव समस्ते अनुभव करछंती। भल मनीष निर्भर करे मां मानक उपरे। तेनु जेउ नारी समाज को दिग्दर्शन देइछि ताकू अबला दुर्बला भाविबा ठीक नुहें। समस्ते मन रखिबा दरकार साभाजा जागृहे दक्षा साभाजा जा प्रियंबदा साभाजा जा प्रतिप्राणा साभाजा जा प्रतिवता। गोटे मस्त बड़ जिनसला प्रीतिपूर्ण व्यवहार। पुरुषर मिजाज जेते ही खराब हेउना काहीकि घरर नारी माने जदि सहनशील धैर्यशील और सुकौशली हुअंती तेबे घरर परिवेश अनेकटा शांतिपूर्ण होई पारे। नारी मानकु विशेष करी लक्ष्य रखिबाकु हेबो जेपरि संसार मध्यरे मिलामिशा और भल पाइबा थाए। भल पाइबार संसार रे विद्या बुद्धि प्राचुर्य सहज होई उठे। समस्ते भल होई उठंती। नारी माने ही हेले संसार रो लक्ष्मी सरस्वती। से माने माँ जाति से क्षमतार तुलना नहीं। से माने जदि इच्छा करती जगतटा को स्वर्ग करी तुली पारंती। आ गोटे कथा स्त्री जदि स्वामी को इष्टकर्म रे प्रेरणा दिए सेथिरे से जेते परिमाण उत्साह बुद्ध करती अन्य किछि रे एहा थारु कम ही होई थाए। तेनु ठाकुर कहिसंती स्वामी करिवो इष्टवरण आउ नारी करिवो स्वामी वरण। अर्थात जने पुरुष ता इष्टक पई जहा जा सबु भक्ति सहकारे करिवो जने नारी ता स्वामी पई सेया करिवो। नारी मानकर चाहाणी चालीबा बुलीबा हसीबा कथा कहिबा आलाप करिबा ओ व्यवहार सबु ही एपरी संजत हेबा उचित जेउथिरे अन्य पुरुषर मुहरु ता प्रति सदा श्रद्धापूर्ण मातृ संबोधन सत ही उच्चारित होई उठे। पति प्राणा दक्ष नारी सेवा सुंदर तृप्ति चलन पुरुष बुके दीप्त आने बुद्धि दिए उपढौकन। आ गोटे भल गुण है माँ मानकर अल्प भितर देई श्रृंखल भावे संसार किपरि करिबाकु हुए ताहा जानिबा दरकार। संरक्षण बुद्धि नारी मानकर एकांत प्रयोजन। कौनसी जिनिष नष्ट करिबा कथा नुहें। केतेबेले कौन काम लगे तार कौन ठीक अच्छी। संसार परिष्कार परिचना सदाचार सुरुचि सौंदर्य निर्भर करे नारी मानक उपरे। मोर सर्वशेष मोर एकांत प्रार्थना परम दलक श्रीचरण ताको अभिमुखे ताको मनोज्ञ चलन आम जेपरी निरंतर चलुथिबा आंभ मानकर समस्त दुर्बलता और विच्युति की परास्त करी आंभ मानकर पथ पाथेय गंतव्य से एक अद्वितीय प्रिय परम को निजर समस्त सत्ता समग्र जीवन और जगत रे चिर अधिष्ठित करी तुलिले पूर्णतार परम प्राप्ति रे सार्थक होई उठिबा। वंदे पुरुषोत्तम। फूल थिले क्षमा करिवे माँ। जय गुरु। माँ जय गुरु। बहुत सुंदर होईची नारी केमती तार किपरि हबा से ठाकुर दृष्टि नारी नारी बहुत आमे जो माने विशेष कर दीक्षित सदीक्षा दीक्षित होइछु से माने आमे हमर बहुत भाग्य आमे बुझी परिचु हमर चाली चलन आचार व्यवहार किमती हबो आमे शांत बुझी परिचु एति आमे तो भाग्यवान से ठाकुर ठाकुर किमती नारी चाहिचंती आमे किमती हे परिवा गोटे कथारे खाली सारांशटे कहि दउची लक्ष्य काम रे व्यस्त थाई स्वामी रे सेवा करे केउ काम रे केउ ये रे फांकी देखि स्वामी रे सेवा सारे इष्ट झुके छुटले पुरुष प्रज्ञा अनुपमा स्वामी झुके छुटले नारी श्रेष्ठ पिलार माँ तेना पुरुष सब आदर्श को नहीं चलो आ स्त्री सब स्वामी पछे चलो स्त्री जदि पुरुष जदि इंजिन हुए स्त्री हम तार डबा से तेणु से धार आम जब चली पारे आम आम ठाकुर खुशी हे आम खुशी हवा मानने माँ खुशी हे आमर मातृसम्मिलन कर सार्थक हम जय गुरु। वर्तमान बहुत सुंदर भाव में माँ जयंती वक्तव्य रखिले सर्वांगीन मंगल कामना ठाकुर पादपद्म कामना करे। वर्तमान आम गण उपस्थित अच्छा जलेश्वर माँ मीताराणी अनुरोध करी आज आलोच्य विषय जे कि जाति जन्म जीवन नारी हाते ये विषय आमको किसी कही सुनेबे माँ मीताराणी। जय गुरु जय गुरु। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। आर्य पुष्टिर परम उद्धाता श्री श्री ठाकुर मोर परम पूजनीय श्री श्री आपण श्री अनंत अनंत कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार समस्त मोर शत कोटि प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन लेथिबा समस्त देवता मान कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजन भाई और भक्तिमती माँ मान भक्तिपूत प्रणाम। सान मानू मोर आंतरिक मातृसम्मिलन परिचालना करुवा माँ ममता मोर जय गुरु। आज पवित्र मातृसम्मिलन दिया विषयवस्तु है जाति जन्म जीवन नारी हाथ में। नारी बा ये जो जते बेले आम परिवार रे जन्म होई था आमे सते बेले कोई था आम लक्ष्मीटी आसी छी काहे कि ना विभिन्न प्रकार विपरीत परिस्थिति हे बा सुख दुख हो जियडी तार सुख खुशी भीतर देई किंबा सेवा संवर्धना सहयोग भीतर देई सब मैनेज करि पारे। सेति भाई गोटिए नारी बा झियो को लक्ष्मी बोली कहा जाय। ठाकुर को जते पचाराई जे ठाकुर लक्ष्मी माने कौन ठाकुर कहते जे लक्ष्मी मान जे लक्ष्य करी चली पारे। पुणी ठाकुर कहते जे नारीर शुद्धता उपरे देशर शुद्धता निर्भर करे। नारी ठू जन्मे एवं वृद्धि पाए तेणु नारी जननी। आमे जेमिति गोटे जगार अन्य जगह को जीवा रास्त माइल खुंट सब रही थाए सेमिति गोटे नारी बा झीर लाइफ रे बहुत गुड़िया स्टेप रही था जमीती झील भगिनी पत्नी और सर्वशेष आसे माँ जननी। श्री श्री ठाकुर सुविवाह उपर अधिक गुरुत्व देउथिले। गोटे उन्नति जाति सृष्टि करिवा पई सुविवाह निहाती आवश्यक। नेपोलियन बोनापार्ट मध्य कहिथिले मते गोटे भलो माँ दियो मु तुमको भल जाति देवी। यही माँ चाहिए गोटे संतान को दीर्घायु करे पुणी अल्पायु रोग संकुल संतान जन्म दे पारे। जमीती सुभद्रा उदाहरण दि जाइए जे यदि अर्जुन सहित चक्रव्यूह विषय कथा होता बेले अधारू शोई न थाते हे तो अभिमन्यु से दिन जीवित थाते। पुणी राक्षसी माँ निकसा रावण परी दुराचारी संतान जन्म दे पारे। पुणी विभीषण परी धर्मात्मा संतान जन्म दे पारे। सेमिति ठाकुर समय जड़े माँ आसी ठाकुर को अति आकुल निवेदन करी कहते ठाकुर थिला समय जे ठाकुर मो पिला भीतर भल पड़ूना सबले से माने निज निज भीतर झगड़ा कर ठाकुर से माँ टी कहले कहले जे बोधे तो पिला माने तते भल पाऊना से माँ टी कहले हाँ ठाकुर मते तो मो पिला माने भल पाती। ठाकुर से माँ कहले बोधे तू तो इष्ट बा ठाकुर को भल पाऊन तेणु देखु माँ के दायित्व जड़े माँ चाहिए परिवार को स्वर्ग भी करे नर्क भी करे तेणु ठाकुर से नारी नीति रे अच्छी नारी वैशिष्ट अच्छी निष्ठा धर्म सेवा साहाज्य संरक्षण प्रेरणा प्रदान पुणी ठाकुर कहते नारी चारोटी अलंकार अच्छी केश बेश बोध व्यवहार यही व्यवहार पर नारी सबकि व्यवहार सबकि आपणार करे तेणु शेष ठाकुर को सही सद्गुरु शरणापन्न हो सत् नाम मनन कर आउ सत्संग आश्रय ग्रहण कर ठाकुर कहते मुझे निश्चय करी तुमको तुम उन्नति उन्नयन भावना शेष ठाकुर बाणी देखी शुणी कथा कहे नत जानू नीतिर प्राणी देखी शुणी कथा कहे नत जानू नीतिर प्राणी भय समीह उठिले फुटी तेबे ही नारी योग्य माने पुणी ठाकुर कहते सत जदि हुए संग तुमार भाव जदि हुए महान उच्च विश्व द्वारे साधना तुमार हबे ना व्यर्थ हबे ना तुच्छ जय गुरु एति कही रहुजी जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। माँ बहुत सुंदर भाव रे आज आलोचना अपन जारी रखिले बहुत सुंदर भाव रे विवाह माँ नारी तार वैशिष्ट्य तार तापरे तार केश बेश बोध व्यवहार ये जो अलंकार ए विषय आमको कही उद्बोधन देले बर्तमान आपणकर श्री ठाकुर पाद पद्म आपणकर सर्वांगीन उन्नति कामना करी रहुची। बर्तमान मु माँ सुदूर बालेश्वर अछंती सरोजिनी माँ तांको अनुरोध करी से श्रीमद भागवत रु अंश पाठ करी आम मानक शुणेबे। माँ सरोजिनी माँ बालेश्वर अछंती जय गुरु दीदी जय गुरु दीदी शुभुची ना आज्ञा शुभुची माँ कहतु सर्वप्रथमे आमर आराध्य परम प्रेममय श्री ठाकुर शतदल पाद पद्म मोर अनंत अनंत कोटि विनम्र प्रणति परम आराध्य श्री श्री लक्ष्मी माँ पाद पद्म मोर अनंत अनंत कोटि विनम्र प्रणाम पूज्यपाद श्री विद्युत दादा श्रीचरण में मोर कोटि कोटि हार्दिक विनम्र प्रणाम श्री श्री ठाकुर परिवार समस्त चरण तले मोर विनम्र प्रणाम भगवत प्रेमी समस्त गुरु भाई गुरु भणी मानकु मोर आंतरिक भल पाइबा एवं सश्रद्ध जय गुरु कुनी कुनी पिलांकु मोर असरंती भल पाइबा सह अत्यंत स्नेह श्रद्धा। आज भागवत आरंभ करते कहते भागवत श्रीमद भागवत आज प्रथम स्कंध आरंभ हम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद से मकरंद पान करि हेळे तरिले ब्रजनारी से ब्रज नारींक पयरे मन मरहु निरंतरे मन निरंतरे थाओ हा कृष्ण बोले जीव जाओ हा कृष्ण बोले जाऊ जीव मते उद्धार गुरुदेव मते उद्धार वासुदेव मते उद्धार राधाधव प्रथम अध्याय नमयेनु सिंह चरण अनादि परम कारण जाबिनु आदि मध्य अंत विचारे न घटे जगत इंद्रिय अर्थ जे जानई स्वते जे नित्य प्रकाशई आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे जे कला विस्तार जाहार रूप हृदय चिंती वेद पुरुष न जानती मृत्तिका विकार जे ममत जल रे हुई कल्पित जले ओपल बुद्धि करी मृग तृष्णारे जन्हे बारी रूप रूप स्थिति तिनी जार गोचरे अनुमानी स्वभावे नुहे सेते मत ए सांख्य योगींकर मत आत्म प्रकाशे सता थाई निरस्त उह कबोलाई सत्य परमा नंद हरि जा भावे भव सत्य करी एमंत सत्य रूप जार तापादे मोर नमस्कार तार चरणे नित्य ध्यान करी तरंती साधुजन से कृष्ण पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी अशेष जनंकर हिते कहि दास जगन्नाथे निर्मल मुनिंकर मते हरिचरित भागवते कहिबी अछि जेते गुण सुजने सावधाने सुण कपट धर्म जहि नाही परम शास्त्र ए बोलाई जे साधु जनंकर धर्म माया वर्जित शुद्ध कर्म से धर्म जहि अनुमानी एणे संसारे जेते ज्ञानी नाही ताहांक अहंकार सहिष्णु भूते दयापर तांक विचारे धर्म जेते सुन कहिबा दृढ़ चिते लक्ष लक्ष जेते प्राणी बोध विचारे परिमाणी से वस्तु अछि जहि पुरी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्रितय क्षय जाई हृदये बस इतक्षण अनादि प्रभु नारायण एणु अधिक अन्य ग्रंथे कि प्रयोजन ए जगते एणु ए भाग बत जेहि श्रवण मात्रे भक्ति होई ए भागवतर महिमा के चिंती पारे गुण सीमा सकल शास्त्र फल एहि श्री भागवत नाम जेहि सकल वेद हुई वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे केते दिने पाची तले वृक्षु पड़िले वायु बले सुख धाइले ताहा देखी पक्षीक संगत उपेक्षी तो से अधरे क्षत कोला भितरे सुरंग दिशिला तहु गलिला रस सार किय बा देवा पटांतर अमृत निंदे स्वादुपणे सुजने पीब अनुक्षणे आनंदे कर सुधापान जेणे पाइब दिव्य ज्ञान ए रस चारि वेद मूल निगम वृक्षर ए फल पीब जीवन अंत जाए जेबे वंचिब माया मोहे एबे सुण सावधाने हरिचरित शुद्ध मने सर्वदेवंक रम्यस्थानो नामता नैमिषारण्यम कलिर आग मन देखी मुनि स्थान उपलक्षी सौनक आदि मुनि गणे मिलिले नैमिषारण्ये कली कलुषे भय करी मुनि एकांते विचारी संकल्प करी एक तुले महासु यज्ञ आरंभिले जानती शुभ प्रद बांछा स्वर्गादि लोके कोले इच्छा सकले मिली प्रातः काले कर्म संपादीन नले सुत मुनिंकी पूजा करी बसिले सकले आपुरी सकल मुनि शुद्ध मने पूछिले अमृत वचने ऋषय उच्च हे सुत सुण सावधाने तुम्भ महिमा अनुमाने सर्व पुराण इतिहास सुनिलु तुम्भर सकाश संसारे धर्म शास्त्र जेते सर्वगोचर तुम्भ मते वेद विदंग मते श्रेष्ठ जे व्यास मुनि तपोनिष्ठ ताहांक शिष्य ओट तुम्भे एक था भले जाणु आंबे पूर्वे जे थिले बहु मुनि तांक वचन अछु सुणी सकल शास्त्र तुम्भ तही वेद पुराणे जेते कही व्यासंक अनुग्रह घेनी सकल शास्त्रे तुम्भे ज्ञानी दैवे अछि एही मत जे शिष्य गुरुर भक्त शिष्य भक्ति रे दया भये सकल गुढ़ तत्व कहे एणु व्यासंक शिक्षा जेते प्रकाश आम्भोर कृते निश्चय कांत श्रेय जेते ये जीव तरी बजे मन्ते जेणे तूट विष्णु माया कह आम्भंकु जेबे दया एकली जुगे जेते प्राणी अल्प आयुष परिमाणी स्वभावे मंद मती हंती प्राणी की उपद्रव चिंती जुग भारे परिमाणी सकल धर्म तुम्भे जानी जे धर्म शुभ तुम्भ मते सार उदारी दृढ़ चिते कह संसारे प्राणी जे मन्ते मायारु निस्तार जेणे प्रसन्न होई हरि ये जीव आत्मा को धरी तुम्भे प्रसन्न जोग भले प्रकाश कर मई तले कृपयु जने जगन्नाथ देव की उदरे संभूत से तू कह शुद्ध चिते आम्भे पचारु जनहिते संसारे जार अवतार प्राणी मंगल वृद्धि कर जगत तारे से चरित तुम्भे ता वर्णने समर्थ घोर संसारे प्राणी पड़ी आत्मा निस्तार पथ हुड़ी जार नाम उच्चारिले संसारू तरी जानती भले जे भय जीव तेज हरे से हरि नाम शुणी धरे जार चरण आश्रय करी पवित्र हंती ब्रह्मचारी शुद्ध करती सर्वजने गंगा जे स्नने स्नान पाने जार जस पुण्य श्लोके मुखे बणंती सर्वलोके कली कलुष नला गई के बान धरे एहा गाई जाजस गाई मुनि गणे सुखे तरंती भवने जे हरि ब्रह्मांड भीतरे लीलास रागे अवतरे विश्व उत्पत्ति स्थिति नाश की रूपे करे ता प्रकाश मोत्स्यादि अव तार मान धरिण प्रभु भगवान आत्मार जोग माया बले विहरे अबनी मंडले से हरि स्वच्छ शुभ कथा कहे सुत धर्म ज्ञाता तार महिमा शुणी नित्ये तुसन लभु आम्बे सीते जिह्वाजे सने सुधारस पीबंते नुहई संतोष अनंत संगे थाई हरि जगते जेते कर्म करी कपटे नर रूप धरी अति मानुष कर्म करी कलियागम आम्भे देखी सकल संपद उपेक्षी ए पुण्य क्षेत्रे शुभ कर्मे कृष्णर कथा अनुक्षणे करितरिबु विष्णु माया भुवनी तुम्भे कर दया आम्भर पूर्व पुण्य फले संग होइला तुम्भ मेले ए भयंकर कोली काले आम्भे जे अछु भव जले ए जलु तुम्भे कर पार बोईते जने कर्णधार जे हरि ब्राह्मण वत्सल सर्वदेवंक आदि मूल कवच जेहूँ धर्म अंगे सुख विहरे नाना रंगे कोलिया गमे भगवान गमिले अपना भुवन जे धर्म संसार रखिब से कहीं शरण पशिब एक कथा कह मुनिवर आम्भ संशय जाऊ दूर ए मन्ते नई मिश तीर्थे सुत मुनिंकर अग्रते शौनक आदि मुनि गणे जे प्रश्न कले जणे जणे निर्मूल निर्मल विष्णुर चरित कृष्ण विषय भागवत सुजन जनंकर हित कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संगीतायां प्रथम स्कंधे नैमिषयोपाख्याने शौनकादि मुनि प्रश्नो नाम प्रथम अध्याय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर भाव रे हमको कार्तिक महात्म्य बोधे ना कार्तिक महात्म्य तो दीदी भागवत भागवत हां एटा श्रीमद् भागवत कार्तिक महात्म्य आ हाँ हाँ श्रीमद् भागवत पाठ बहुत सुंदर भाव पढ़ी सुनेले हमर तो माने एते आज कालिका स्त्री नारी हेकरी कार्तिक महात्म्य श्रीमद् भागवत पाठ रु बहुत दूरे गले तथा भी कर्म जंजाल भीतर आपण जे एति की हमको सुनेई परचंती बहुत बहुत धन्यवाद आपण को तथा आपण को परिवार समस्तंकर सुदीर्घ मंगल कामना करूची एवं आहो ठाकुर पाखे आहुरी प्रार्थना करूची आपण आहुरी एमती भल भल कथा भल भल भागवत पाठ करिके हमको सुनांतु एवं ठाकुर पाखे एतिकी प्रार्थना करूची। वर्तमान मु आम गणे उपस्थित अछंती माँ जोस्ना माँ सुदूर कलिकतारू ठाकुर परिवार माँ तांको अनुरोध करीबी से हमर एई आजिर आलोच्य विषय जाति जन्म जीवन नारीर हाते ए विषय सम्यक आलोचना जारी रखिबे माँ जोस्ना माँ तांको मोर जय गुरु जय गुरु। परम प्रेमय श्री गुरु श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी लक्ष्मी मां को श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त गुरु भणी मानन को मोर प्रणाम। ठाकुर परिवार समस्त को मोर प्रणाम। मोर गुरुजन मानन को मोर प्रणाम। आज जो विषय जाति जन्म और जीवन नारी हाथ कथाटा बहुत बढ़िया कथा जाति एवं जन्म जीवन ताने आम प्रथम जब सीरीयल कर प्रथम हूँ जन्म जन्म हापर जाति हम जीवन हम जीवन पर जाति तेज तीन टा कथा तीन टा किंतु परस्पर प्रति मानते ओतप्रोत भाव में जड़ित प्रयोजन कौन ना प्रथम जे भल सतान टा कि भाव आसब आम ठाकुर जो दिया अच्छे जो विभिन्न धरण जो नीति नियम कथा से कथा बहुत आलोचना गलानी किंतु सबुठ बड़ जिन हूँ जे गोटे भल जो नेशन कथा हिटलर कहे आम ममतादी कहते गोटे जातिर भविष्य निर्भर करे जने माँ उपरे वास्तव कथा एथपाई दरकार सतीत्व मे माने आमर गोटे भाबू सतीत्व कौन ना जदि कौन सी झीवर जने जने पुरुष को लेकिन सारा जीवन रुहे ताले सही हूँ सती किंतु वास्तव में सतीत्वर डेफिनेशन टा एटा नुह सतीत्वर बड़ जिनिष हूँ कौन सतीत्व हूँ जे इष्ट को तुम मुंडरे इष्ट हूँ तुम प्रथम एवं प्रधान एवं इष्ट को मुंडरे प्रथम एवं प्रधान करिकी जदि आमे स्वामी को से ईश्वर बहुत भल पाई परिबा से ईश्वर भली जदि गर्वबोध करि परिबा एवं से भाव भूमि ऊपर जदि आमे हमर संतान को आनिबा तेबे जाय हमर सतीत्वटा सेखाने सार्थक होई उठिबो स्वामी प्रति जदि स्थिर गभीर श्रद्धा अवनति न रुहे गर्वबोध न रुहे ताले तार सतीत्व सेटा सेटा तार सतीत्व केबे भी होबनी एई स्वामी प्रति गभीर गर्वबोध सेटा आसीबो इष्ट प्राणता माध्यम रे मथार जदि इष्ट रुहंती तो इष्ट इष्टों का भली जब जे आमे छोटिया बड़े गोटे गल्प सुनिथिलु जड़े से चाहिदेले जाकु चाहिदउथिले से भस्म कर दउथिले एते पावर थिला जड़े जो ऋषिंकर किंतु से जड़े मां को पाखो भिक्षा नै देछंती से सेते तांग स्वामी सेवा करथुले तांग कहले जे तुमे देरी कलो कोन बन जेते से बाहर गेछंती से खूब रागी जाइछंती सेते रागी होला परे से कहजो मु मो स्वामी सेवा करथुले से आपन को अपेक्षा करिथियो जो मु दुखित कारण मु मो स्वामी सेवारे निमग्न थिनी सेतेले से बहुत रागी जाइछंती एवं से कहउछंती आपण कोन मते भाबिले जे काको भाबिले भस्म कर चली आसबे जे रास्ता आसीला बेले काको तांको ऊपर हगी देदिला बोली से ताको चाहिदेले ताको भस्म कर दे चली आसले ऋषि सदर सुनि कि अबाग ये तो घरे ए साधारण गोटे स्त्री लोक ता स्वामी सेवा करथुला से किमिति ए ऋषि रो मु एते साधना करिछि एते तपस्या करिछि तने जने साधक पुरुष जने तपस्या तारु भी जने सती नारी रो कतेटा माने शक्ति बेसी सेटाई मु कहया पई चाहूछि एबे तेनु से ठाकुरंकर भी आलोचना प्रसंग 17 खंड रे भी ठाकुर कहउछंती स्वामी रो प्रति स्त्री रो गभीर श्रद्धा थाकले तार सम्बन्धे एकटा गर्वबोध थाके एटा सतीत्वेर एकटा लक्षण स्वामी ऊपर गभीर टान ना थाकले स्त्रीर बुद्धि हय स्वामी के निये निजेर वृत्तिर चाहिदा पूरण करार तेमन टान थाकले स्त्री स्वामी के सर्वोत भावे पोषण दिते चेष्टा करे से देखे किभाबे स्वामी शरीरे मने ओ आत्माय सुस्थ थाके और समृद्धिशाली हये उठे और तातेई से निजेके सुस्थ और समृद्धिशाली बोले बोध करे बाइबेले आछे स्वामी एवं स्त्री जेन सेम फ्लेक्स अर्थात एक देह एक मन एक प्राण माने केते बढ़िया कथाटा माने स्वामी एवं स्त्री हुए तो शरीर रे आमे देखुछु दी जण किंतु देखियो गले से माने एकात्म गुटे आत्मा जण को कष्ट होले आउ जणे व्यथा पाए आउ जण को जंत्रणा हुए तेनु एई जो माने जो भावटा माने गुटे देह किंतु माने गुदीटा देह ही कि भी गुटे देह भली जो अनुभव जो मन सेटा होचे एकात्म बोध एकात्मा माने जहिति पे कुआ जाय स्वामी स्व अमीन स्वामी स्वामी होची स्त्री रो अस्तित्व तेनु एई भली स्वामी भक्ति बा सती नारी जो माने खाली जो अनेक मन करते आम कौन से पुरुष संस्पर्श आसनु माने आम सती एटा वास्तव कथा नुह हुए तो तुम्हें शारीरिक भाव में पुरुष संस्पर्श आसन मानसिक भाव आस्थाई पर तेणु सबुठार बड़ जिनिष होची मन भितर ईश्वर चिंता छाड़ा आउ कौन से चिंता रही छोट बेलू झील को जदि पितृभक्त कर गढ़ी तोला जाए सी कौन हम जो आम जो जो शीघ्रकाण हो जमी खटा देखले आम नाल झरे सीमिति बयस उपयोगी जिते बड़े उभय मान विपरीत लिंग प्रति जो आकर्षण टा से फुलफिल हो बापा एवं से फुलफिल हो कौन हम जो कहुची जदि जड़े पितृभक्त जदि झील होती सत पात्र दान कराए ताले तार कौन चाहिए पछ को घूरिक चाहिए कौन प्रयोजन ना सी एत भल माँ हो पार जड़े भल माँ हाँपाई भल जाति दवापाई आगे प्रथम आमको जड़े भल झील हो उठा पड़ो प्रथम हम आम भल झी एवं भल झी आम दाय दायित्व कर्तव्य इष्ट प्राण आम जदि माता मनमयिनी चरित्र पर्यालोचना करवा से छोट बेलू से माने पितृगत प्राण थिले एवं प्रत्येक जिनिस मनर प्रत्येक चिंता प्रत्येक भावना प्रत्येकटा किछि से गुरुदेव पक्ष न्यस्त कर दूसरे एवं बापा 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 प्रिय झी है बापा कथा अनुजाई बापा समस्त मनर प्रश्नर समाधान बापा पाखु नहीं कि से चली से शैशव अवस्था जो बाहागर हो गला एवं परिवार दाय दायित्व जितने आसला से फिल कले जे प्रकृत आमे कौन पाई विवाह करू विवाह करिवार अर्थटा कौन विवाह करिकी आमे किमिति जने सती झी है उठी परिवा से कथाटा से अनुभव कले से एवं अनुभव कला परे से फिल करथिले एवं सांग गुरुदेव को मध्य चिट्ठी देथिले सेटा हम कहू मान पढ़ी की सुनाउची कथाटा इष्ट चरणे तार निष्ठा भक्ति दिन दिन वृद्धि पावार फले तिनी नारी जीवनेर उच्च आदर्श सम्बन्धे और सविशेषे सचेतन हईलेन अंतरेर अंतर दिया तिनी उपलब्धि करिलेन जे विवाह एक महत् पवित्र धर्म संस्कार यार लक्ष्य अति महत् एवं ता हईल सर्वांगीन कल्याण साधन एवं सुसंतानेर जन्मदान एकजन प्रकृत ईश्वर प्रेमिक लोकपालक महामानवेर जननी हइया नारी जन्म सार्थक करिबार अतुग्र आग्रहे मनमोहिनी देवी क्रमेई अधीर हइया उठिलेन एई प्रबल वासना ताके एमनी व्याकुल करिया तुलियाछिल जे से कथा तिनी तार जीवन सर्वस्व श्री श्री गुरुदेवेर श्रीचरणे निवेदन ना करिया पारिलेन ना प्रिय शिष्यर एई रूप एकांतिक सद्विभेलासे गुरुदेव अत्यंत आह्लादित हइया ताके एई बोली आशीर्वाद करियाछिलेन ईश्वर कृपाय तुम्हार प्रथम सन्तान एकजन कालजयी महापुरुष हइबे से तुम्हें पूर्ण आनंद दान करिबे तुम तारी प्रीतिकर कर्मे रत थाकियो माने ए जे चिंता करो जे विवाह जे कोन पई आमे आमे जस्ट भाबु कोन जे झियो पुओ को उडे रीति अनुजाई उडे बाहागर होई जिबा वास्तव रे बाहागर रो उद्देश्य किंतु सेटा नुए उद्देश्य रुजी ठाकुर बहु भाव रे विवाह सुप्रयोजन बहिरे भी कहिसंती जे उन्नयन आर सुप्रयोजन एई तो बिएर मूल जेमन तेमन करे बिए करिसना कबू सेइतमे प्रथमे झियो को छोट बेलु टू की भली बरबरण करिया दरकार पितृ मातृभक्त करी गढ़ी तोलिबा दरकार एवं इष्ट प्राण करी गढ़ी तोलिबा दरकार ताले निजे निजे ता भावटा ता भितर गजे उठिबो सेते बेले से केबे भी चाहिबनी जे ता स्वामी ताकु नै कि सबले व्यस्त रहंतु बरं उल्टी उल्टा हबो तार प्रकृति से बरं सबु बेले चाहिबो जे मो स्वामी रो कोथरे मंगल हबो ए जे स्वामी को सब बेले खुशी करी चलेइबार जो वृद्धि जो इच्छा से इच्छा फल रे ता भितर जो सतीत्वटा गजेइबो सेई सतीत्वटाई आमको सुसंतान जन्म देवा पाई बाध्य करिवो आमे ऑटोमेटिकली एक सुसंतान रो जननी हेई जाई परिबो एवं सेई सुसंतान रो जननी हेबाकु पडिले आमको प्रथमे स्वामी भक्त हेते पडिबो एवं स्वामी भक्तटाई होची वास्तव सतीत्व एवं फळे जाति ठीक हो कारण आगे व्यक्ति तापरे दंपति तापरे गृह तापरे समाज तापरे जाति तेन जने व्यक्ति जदी व्यक्ति विषय जदी ठीक होबो आस्ते आस्ते तार और व्यक्ति स्वामी स्त्री ठीक है स्वामी स्त्री ठीक है परिवार ठीक हम एवं भाव में प्रत्येक परिवार घटे ताले समाज ठीक हमारा दुष्कर नुह एवं से आम जो जाति बा नेशन से सुस्थ सुंदर हो उठिबो एटाई मोर धारणा एवं से प्रथम एवं प्रधान आम उद्देश्य होची छोट बेलू झील को तार सतीत्व संबंध में सचेतन करिया पड़िबो सतीत्व माने कौन ना इष्ट प्राण है कि सबु बेले जे तुम जीवन प्रथम एवं प्रधान कई उठिबे से होचंदी इष्ट एवं इष्टमुखी हेगी स्वामी को इष्ट पथरे परिचालना करिवार जो प्रेरणा से प्रेरणा करिया फल रे तांको सबु बेले जो खुशी को खुशी रखिबार जो इच्छा से इच्छा प्रकट हवा फल रे ही आमर सतीत्वटा गजे उठिबो सेतिबे कह जाय जे आमर बाबू समने के भावती जे सतीत्व होची गोटे कुसंस्कार किंतु वास्तव रे ता नुहे जातिर जदि उन्नति आमे करिवाकु चाहिबु तबे सतीत्वटा हेउची मूल जिनिस सेथिपाई विभिन्न नाटक नोबेल गल्प सिनेमा पुस्तक इत्यादि माध्यम रे एई सब विषय गुड़ा आमे पढ़ू एवं जानू। जेमन आमे सती बेहुला कथा शुणुचे, सती सावित्री कथा शुणुचे एवं शैब्या कथा जानूचे एवं बहुत स्वामी भक्त भक्तिमती माँ मान विषय गल्प आम संस्कृति अच्छी एवं आमे साधारणतः छोट बेले ठाकुमा दीदीमा पाखु भी शुणी था से गुड़ा शुद्ध गप भाया न करके वास्तव जीवन में चरित्रायित कर चेष्टा करवाटा ही सबुठू भल हम बोली मोर मन हुए। एवं आज जो आमर जो मातृसम्मिलन जो प्रचेष्टा जो भागवत जो सरोजनी माँ पाठ कले, गीता जो कुमारनाथ गीता जो दीपाली दी पाठ कले, एगुड़ा एगुड़ा हूँ आम संस्कृतिर जिनिष। एई सबो आलोचना पर्यालोचना मध्य आम रहीबू ताबले आम मथारे गोटे भल एफेक्ट पड़िबो एवं आम सब भल चिंता करिया कथा भाबिबू। आम साधारणतः कौन करू जे निजे आम मातृसम्मिलन करू किंतु आम छोट छुआ को झील को बहू को से पढ़ाशुना कर समय नष्ट हो दुई अढ़ाई घंटा तीन घंटा बसिक मातृसम्मिलन करके किस लाभ हम बही तो अच्छे पढ़ीदेने जाणीदेवे आ सीमित हुए से आम से छोट झील मान से छोट छोट प्रथम जो मैंने बहू होगी परिवार को सही मानू बेसी करके मातृसम्मिलन सहित इनवल्व कराइबा दरकार एवं से माने जतले इनवॉल्व हेबे एवं से माने जतले निजे सक्रिय भाव रे किछि करिबा को चेष्टा करिवे ताले सेते बेले सेमानक भीतर जो गीत गुडा अछि जो अजडार अज्ञतार जो गंठी गुडा अछि से गुडा छिंडी जिवो एवं सेई गुडा छिंडी गला परे से माने ऑटोमेटिकली इष्ट पथरे आगे जिवे। से दिन मोर मधुमिता दींकर कथा सुनिके बहुत भलो लागितला। तांकर गुडे छोटो छुआटे से शिशु सम्मेलन रे कि सुंदर भाषण दिए जो उत्तम दांको झियो कथा मु कहउछि तेनाली आम समस्ते छोट छोट झील मानक ही इनवल्व कराइबा बेसी बेसी कर दरकार। एवं यही मातृसम्मिलन करने फल जो आमर जो ज्ञान अर्जन हम सेटा ही आमको यही जो विषय अच्छी जाति जन्म जीवन नारी हाथ में सेटा सार्थक करी मोर वक्तव्य रखुची। जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव शरीर सुस्थता सत्वे सी आमको ठाकुर मातृसम्मिलन भाग नहीं आमको उद्बुद्ध कर ऋणी ठाकुर पाखे सुस्थता कामना कर तथा परिवार प्रति प्रत्येक सुस्थ उठती ठाकुर परिवार को मुझे कौन कहबी तथा ठाकुर पाखे कामना कर ठाकुर पाखे कामना कर से तांकर शरीर शीघ्र सुस्थता लाभ करू। जय गुरु। वर्तमान समय तो हो गलानी तथापि माँ मीता गोटे गीत भजन परिवेशन करेंगे पटापट। जय गुरु। जय गुरु। केउ नाई किछु नाई तुमी आरामी तुमी प्रभु आमी दास हे राधा स्वामी। केउ नाई किछु नाई तुमी आरामी तुमी प्रभु आमी दास हे राधा स्वामी। मोर आगे मोर तुमी परे तुमार आमी तुमी प्रभु आमी दास हे राधा स्वामी। चिनु मोरा दुई जन तुमी तुमी प्रभु आमी दास हे राधा स्वामी। आछि मोरा दुई जन तुमी आरामी तुमी प्रभु आमी दास हे राधा स्वामी। मोरा दुई जन तुमी आरामी तुमी प्रभु आमी दास हे रा प्रभु आमी दास हे राधा स्वामी। जन्म नाय मृत्यु नाय तुमी आर आमी, तुमी प्रभु आमी दास हे राधा स्वामी। आदि नाय अंत नाय तुमी आर आमी, तुमी प्रभु आमी दास हे राधा स्वामी। देश नाय काल नाय तुमी आर आमी, तुमी प्रभु आमी दास हे राधा स्वामी। जेखाने सेखाने राखो तुमी छाड़ा नाई, तुमार लागे तुमाराई ए जीवन बही। जे भावे से भावे राखो तुमाराई राई, तुमार लागे तुमाराई ए जीवन बही। के छुना तुमी आरामी, तुमी प्रभु आमी दास हे राधा स्वामी। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव में भजन टी परिवेशन कले। बर्तमान तो समय हो जाए तथापि अल्प किसी कही मोर वक्तव्य आरंभ करी। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर रातुल चलन में मोर अनंत कोटि प्रणाम। श्री श्री लक्ष्मी माँ चरण में मोर प्रणाम। श्री ठाकुर परिवार प्रति प्रत्येक जे जो था ना कहीं पुत्र पौत्र पौत्र तथा श्री ठाकुर परिवार माँ मान को मोर अंतर जय गुरु जनाए। ऑनलाइन सत्संग उपस्थित समस्त ऋतिक देवता अधर्ज जाजक गुरु भ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला मोर अंतर जय गुरु जनाए। आज आलोच्य विषय रखा जायछि जाति जन्म जीवन नारीर हाते। ए विषय बहुत किसी आलोचना हो गलानी। जाति जन्म जीवन तीनोटी ज वर्गज तीनोटी ज जाति जन्म जीवन ए तीनोटी जाक परस्पर अतप्रत भाव जड़ित। जेटा कि जेटा कथा कि आमर पूर्ववर्ती माँ कहीगले जसना माँ गोटी को छाड़ी आ गोटी को बाद दे गोटी को बाद दे आ गोटी कर स्थिति असंभव। ये जाति जन्म जीवन यही हूँ नारी हाथ में। श्री ठाकुर कहले सूची नियमता है मानते। यही ईश्वर सृष्टि मनीष हूँ श्रेष्ठ सृष्टि। मनीष जाति हूँ मुख्यतः दुई भाग में विभक्त। गोटे पुरुष और अन्यटी नारी। पुरुष और नारी को नहीं मनीष जाति सृष्टि। पुरुष तार स्ववैशिष्ट्य आ कर्म को नहीं हो उठे पुरुष पदवाच्य। ठीक से नारी तार कर्म आचरण वैशिष्ट्य नहीं से कौन ना नारी पदवाच्य होता है। गोटे मनीष जाति को सुस्थ सुंदर परिपुष्ट करने दिगरे प्रत्येक पुरुष मेन अफ प्रिंसिपल बा श्रृंखला पुरुष श्रृंखलित होगा उचित। मेन अफ आइडियल आदर्श केन्द्रित होगा उचित। मेन अफ बिलव समस्त भल पाइबा उचित प्रेमर अधिकारी होगा उचित। ठीक सेमती गोटे नारी अमेन रु कम्प्लेक्सेस न हो अर्थात तार वृत्ति प्रवृत्ति आड़ को न जाई वृत्ति प्रवृत्ति पक्ष धावान न हो अमेन अफ प्यूरिटी बा जेटा कि शुद्धता एवं अमेन अफ डिग्निटी जेटा को होची देवत्व बा महानता एथाबा आवश्यक। तेणु गोटे नारीर शुद्धता तार सेवा परायणता मोहनीयता उपरे जातिर शुद्धता स्थायित्व भविष्यत एवं तार गौरवमय भविष्यत सृष्टि निर्भर करे। तेणु श्री ठाकुर कहले गोटे नारीर सतीत्व पाखरे गोटे देवता जेटा कि कहते जसना माँ कहते जे सती नारी किमती जने भस्म माने गोटे सन्यासी को जे से सिद्धि लाभ करते सतीत्व द्वारा किमती से सिद्धि लाभ करते से कथा कहते। नारी सतीत्व पाखे समस्त देवता असुर मानव श्रद्धा जन बाध्य। कहले आद्य झील एपरी ही जन्मी थाए आद्य घरे संजीवनी उच्छलतार यही कलर तो आर्य धरे। गोटे नारी हूँ मनुष्य जन्मदात संतान तार मार गर्भरे रही मानसिकता और आध्यात्मिकता चेतनार जो पोषण पाए से पोषण पाई से कौन हुए जन्म हुए आ मार यही पोषण रे मनुष्यर बर्तमान आ भविष्य जो वंशधर से प्रभावित होता है वंशधर जीवन प्रभावित होता है। नारी जदि गोटे नारी जदि शुद्ध पवित्र सदाचार संपन्न हम तेज पाखु जो मनुष्य जन्म हम जो संतान जन्म हम ज्ञानी हम व्यक्तित्ववान हम एवं देव संतान ही जन्म हम। यही ठाकुर कहले यही देव संतान को संसार को आणवा ही नारी प्रकृत राष्ट्र पूजा। ठाकुर कहले आम चाहे शुद्धात्मा निस्वार्थ पर सेवा मनोवृत्ति असत निरोधी पराक्रम वाक् नियंत्रण आत्मसंयम धैर्य क्षमा स्वामी भक्ति सर्वोपरि गोटे जो आदर्श केन्द्रिक चलनीर नारी मानसिक शुद्धता आसी थाए आउ हिंसा ईर्षा कपटता अहंकार क्रोध अभिमान परनिंदा परचर्चा स्वामी निंदा नारी मानसिक शुद्धता को नष्ट कर दे थाए। आ नारी यही मानसिक शुद्धता ही प्रत्येक मनुष्यर और प्रत्येक संतान चरित्र व्यक्तित्व आध्यात्मिक चेतना और तार भाग्य निर्धारित होता है। से दिन दिने पावना हिमायतपुर को आश्रम को जड़े आगंतुक से परिदर्शन कर आसी श्री ठाकुर को पचारे आपण को केन्द्र करी गोटे निपट मफसल एक महानगरी परिणत होगा जाऊँगी। श्री ठाकुर कहले दादा देशर तो महानगरी अभाव नहीं किंतु महानगरी को रक्षा करने को महान नागरिक कहते। आज आज आतंक विप्लव विपर्जय हिंसा संघर्ष हत्या व्यभिचार आज दिन को दिन समाज आम समाज बढ़ी बढ़ी चलती यही समस्या मुकुलियापाई मनुष्य केते चेष्टा जारी रखी केते प्रकार चेष्टा जारी रखी केते वैज्ञानिक केते तापस लगे। आज कोरोना भाया महामारी आमको कबलित कर दूची किंतु सबू आम एपर्यंत आम सफलता पाई ना जेपर्यंत आम मूल कारण को मनुष्य खोजी बाहर न कर मूल कारण टा हूँ पुरुष आ नारीर आदर्श केन्द्रिकता। इसमें नेपोलियन बनापार्ट कहले गिव मी सम गुड मदर्स आई विल गिव ए गुड नेशन मत केतोडे भलो जाति दियो मु तुमको भलो मां देबी मते भलो मां दियो मु तुमको भलो जाति देबी। नारी तार परिवार जीवन ठाकुर कहले नारी ठारू जन्मे जाति नारी ओटे प्राण नारी कोले जन्म नियंती जुगे जुगे भगवान। आ नारी रो नारी रो रूप वर्णना करिया को जाई ठाकुर कहले नारी रो डाण हाथ रे सेवा बामे सांत्वना बुकरे आवेग अनुरक्ति मुखरे सहानुभूति रासारंध्रे स्नेह ममता श्रवण वेद श्रुति मस्तिष्क बोध विवेचना चरण रे क्षिप्रता कर्म तत्परता एवं सर्वांगे सर्वांगे तार हूँ वृत्ति नियंत्रण आ यही सर्वगुण संपन्न नारीर गर्भरे स्वयं प्रभु जन्म नियंती आ वीर प्रसविनी माँ मैंने देश जाति को सुसंतान उपढ़क नदी जगत धर्म राज्यर संस्थापन करथांती। कहले एक नारी जो समस्त तार वृत्ति प्रवृत्तिर चाप को एड़े जाई तार स्वामी एकनिष्ठ हो उठे से नारी प्रतिव्रता कथित हुए आ प्रतिव्रता जो अकाट भाव रहे प्रमेय माध्यम सर्वसिद्धि प्राप्त हुए जेटा कि आम जो स्नामा कही सतीत्व फल केमती सिद्धि प्राप्त करते। ठाकुर कहले यही साधन सिद्धि हेले ही सती हेब तुम्हें वंश तुम उज्जवल हेब उज्जवली सह समाज भूमे से सतीत्व जो सहज स्वत आ स्वभाव सिद्ध हो उठे से जगत रे महिषी नारी रूपे गण्य हुए एवं यह भीतर देखिए से कौन हुए ना देवोपम संतान जननी ही पारे। श्री ठाकुर कहले सतीत्वजार स्वभाव सिद्ध चर्या पटु मन जगधात्री मूर्त झील संसार जीवन नारी ठारू जन्मे जाति नारी अटे प्राण नारी को जन्म नियंती पुणी जुगे जुगे भगवान। तेनाली स्वामी स्वामी इष्टनिष्ठा और स्त्री स्वामी भक्ति भक्ति अनुरक्ति सुसंता निर्भर करे। ठाकुर कहले इष्ट निष्ठारे छुटले पुरुष प्रज्ञा अनुपमा स्वामी निष्ठारे छुटले नारी श्रेष्ठ पिलारे माँ। तापर आम आसवा जन्म पाखकू जन्म विषय से ठाकुर कहले प्रसव जन्म जन्म माँ कि सहज कथा खाली प्रसव करदेले हंती माता खाली प्रसव करे किए ना प्रसव करे स्त्री आ स्वामी ही प्रसूत हुए स्त्री ठारे स्त्रीर आप अनुजाई तेणु स्त्री को कहा जाए जाया स्वामी ही जमीती स्त्री पाखरे जन्म ग्रहण करे। गोटे स्वामी स्त्री विभिन्न संतान मानक मध्य जो पार्थक्य देखा जाए ताहा संगठित हुए सृजन मुहूर्त स्वामी स्त्री मिलन मुहूर्त नारीर मनोभावर पार्थक्य जो रति समय मार भावभूमि मार मनोभूमि मनोभाव जो पार्थक्य देखा से चिंता चेतना जो भाई ठीक से विशिष्ट संपन्न संतान आविर्भूत होता है। श्री ठाकुर कहले स्वामी प्रति तान जेमने छेलो जीवन पाओ तेमने स्वामी प्रति स्त्री श्रद्धा भक्ति आ भल पाइबार मान जेपरी संतान तागर को आसे से स्वामी जो जो गुणावली एवं चरित्र बा गुण रे उद्दीप्त ही स्त्री स्वामी को उद्दीप्त करे ठीक सही गुण से संतान माध्यम रे से प्राप्त होता है। तेणु कथित अच्छी नियम अच्छी जेते सेमि भाव स्वामी स्त्री मिलित हवा ठीक नुहे ता द्वारा संतान भल हुए ना स्त्री जिते सत् भाव भावित हुए तार शरीर मन से सुस्थ आ दीप्त थाए और से आग्रह सहित स्वामी को कामना करे आते ही उपगत होगा उचित अन्यथा नुहे स्वभावतः स्वामी मन इष्टमी की उद्दामता नहीं विभोर रही स्त्री जिते कौन कर पवित्र श्रद्धा प्रीति नहीं चाहिए से मिलन घटे शुभ संवेगर उत्सव तार भर एवं से उन्नत वैशिष्ट संपन्न संतान आगमन ही संभव करा जाए। ये गोटे कथा मन पड़े श्री ठाकुर कहते आमर मातृमंगल बही अच्छी स्वामी स्त्री जिते गल्प कर शोवा बेले रात गल्प कर गौरांग महाप्रभु कथा ये गल्प करू 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 स्त्री स्वामी स्वामी स्त्री मध्य गोटे भावावेग चले आसी समय से गल्प करू करू जो स्त्री तार स्वामी की चाहूँगी जे देखुं जे सतरे स्वामी भितर से गौरांग महाप्रभु को दर्शन करुच्ची सेतिकी बेले जदि संतान सृष्टि हेब से संतान ही जन्म हो हरिबोल 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 करके स्पष्ट भाषा उच्चारण कर ना संतान जन्मदान हूँ गोटे पवित्र परम कार्य नहले पशु मनोवृत्ति संपन्न संतान जन्मिब सुसंतान हेबाकु गले बा देबाकु गले पुनी दरकार सुविवाह सुविवाह संगतिशील समीचीन विवाह नहले श्री ठाकुर कहले प्रतिलमे कुएर जन्म राष्ट्र समाज जातिर जन्म संगतिशील समीचीन विवाह नहले सुसंतान जन्म असंभव। आज भल भल मनीष आम समाज में मिलुना तार कारण होची एई विवाहर गंडगोल आ विवाह जे ठीक भाव हेले मध्य यदि स्वामी स्त्रीकर चलनीर अभाव एवं प्रवृत्ति परायणता श्रद्धाहीनता रुग्ण दुर्बल स्वार्थपर संकीर्ण मना आ क्षीण मस्तिष्क प्रतिभाहीन मनुष्यर जदि आमदानी ये बेसी होची बापा माँ उभय ही भल हवा दरकार। ठाकुर कहले बापा कह जाए ता अर्थ जे बपन करे तुम बापा किए ना तार अर्थ तुम्हें उत्पन्न होइच एही उत्पादन बीज बपन कर्ता किए से होची बापा माँ माने कौन ना परिमापित कर दिखती स्वामी प्रति जो स्त्री टाण आ गुण ग्रहण कर जो क्षमता जो तार स्वामी जो जो गुण से गुणान्वित हो स्वामी को उद्दीप्त कर जमती आम महाभारत देखुचे कुंती कुंती आम शांत आम गल्प शुणु से हूँ सूर्यपुत्र कर्ण आप इंद्रपुत्र अर्जुन पवन पुत्र भीम धर्मपुत्र युधिष्ठिर किंतु एगुड़ी हूँ सतरे कल्पना मात्र वास्तव में से स्वामी पंडुंग भीतर जो सुप्त गुणराजी गुड़िक से गुणराजी भितर जिते से सूर्य सम तेज सूर्य तेज सम्मानित भावती को उद्दीप्त करके कर्ण को पाइले धर्मर भावटा को उद्दीप्त करके युधिष्ठिर को पाइले पवन भली शक्तिमत्ता भावटा को उद्दीप्त करी भीम को पाइले दुर्वार विजय भली शक्ति को माने से जागृत करी आमर अर्जुन को पाइले एटा हूँ सेपरी से मुहूर्त सही गुण गुड़िक तार संतान मध्य जीवंत कर तोली पारती स्वामी को तार संतान संतुष्टि रे एही टाण आउ जो गुण ग्रहण मुखर तार उन्मुक्तता हूँ कौन ना मेजरिंग एजेंट अर्थात परिमापनी शक्ति मार हूँ संतान को जो मापिक पारे से तार हूँ परिमापनी शक्ति। आसवा जीवन पिलार प्रथम शिक्षा आरंभ होची तार माँ पाखरु एवं से हूँ गोटे पिला हूँ तार माँ रो आद्य गुरु से माँ रो अभ्यास तार चालीचलन तार खूब नियंत्रित हवा दरकार माँ रे टिके भूल रे जे पिलार अनेक क्षति हो पारे से ठाकुर कहले तुम्हें माने माँ तुम मान को देखी ही तो पिला पिली शिखे तुम मान को खूब होशियार होबाक पड़ो चला फेला बसवा शोवा कथबार्ता कार्यक्रम सबुथ लक्ष्य रखा दरकार जे ताहा जेपरी शोभनीय हुए सुंदर हुए सृष्टि हुए एवं समीचीन हुए कहारी जमी असुविधा न हुए कारण से पुओ झी शिक्षा संबंध में सावधान कर श्री ठाकुर कहले सबु दिग को जदि नजर न थाए भल माँ भी हुए ना भल स्त्री हुए ना। तेणु श्री ठाकुर कहले पुणी कहले ना ससुर घर जो झीर अगाध अटूट टाण से ही लक्ष्मी बहु सेवार विपुल प्राण ससुर घर शासन जो झील मान श्रद्धा सहित ग्रहण कर आत्मनियंत्रण करती नहीं से केवि भी लक्ष्मी बहु हो पारती नहीं आ कष्ट परीक्षार भीतर जे जो माने आगम को जानती से माने संसार रो साम्राज्य होई उठंती। ससुर घरटा होउची झियो मानकर बडे विश्वविद्यालय गोटे झियो तार बाप गुरु जेते जहा भी शिखी आसना कहीं तार जीवन रो असल शिक्षाटी आदर्श गृहिणी होई उठवार पाटटी से ससुर घर को आसीबार परठारु आरंभ होवे। तीसरे आकुर कहले स्वामी स्त्री झगड़ा करे छेले पुले देखे नरकर सदर द्वारे पिला मानकु रखे। बापा मां के मध्य झगड़ा कठा कटी मारपीट हाथाहाथी परस्पर प्रति दोषारोप करवा वर्तमान जुगर आम मान जो दाम्पत्य जीवन गोटे प्रकार जमी अंग हो उठी आसबू देखी शिशुर कमल मैंने कहीं शिशु सब खराब जिनस ग्रहण करनी शीघ्र से भल जिनस अपेक्षा खराब जिनसा मन भितर मस्तिष्क बेस भाव संचालित हुए आसबू देखी तार श्रद्धा बापा मां प्रति श्रद्धा कमी जाए संतान से श्री श्री ठाकुर कहले नारी नीति कहले संतान सम्मुख एपरी किसी कर ना जो तार भक्ति बा तुम प्रति टाण कौन प्रकार अपलापन घटे तार पोलाप रे तुमरो बते कष्ट तार मति कष्ट आज्ञा हेलो एनो सब सब विषय रे आमे माने मने करू मु जहा कहूची बा करूची सेटा ही ठीक। एनो संसार गुरुजन केही हे तो पिला मान को जदी अन्याय पई शासन करे सेते बेले मां जदी पिलार पक्ष नै कमर लुगा बांधी झगड़ा करिया को जाय सेते बेले शिशु ठाकुर कोनची सेते किंतु तो संतान रे मथा खाइबा के भी मथा खाइबा ही भी यही रकम टा जपरी नभे से माँ को लक्ष्य करिया को कहते श्री श्री ठाकुर कहते आम माँ मैंने जपरी पुरुष लोकंर दुर्ग स्वरूप हो उठू आश्रय स्वरूप हो उठी पारती आई भूमिका को सार्थक कर तोलियां माँ टी गोटे झील को शिखेबा किपर शाशुघर ठाकुर देवता पूजा पार्वण शाशु ससुर दियर नंद जा जाउली कुटुंब आत्म स्वजन साई पड़िशा चाकर बाकर गृहपालित पशु पक्षी गछपत्र समस्त जमी सबकिर सेवा चर्चा से सुंदर भाव संसार करे एपाई आलस्य त्याग करने पड़ो बदमिजाज हीनता हीनमन्यता त्याग करने पड़ो एवं श्रद्धा भाव प्रसन्न चित्रे गुरुजन मान को मथापाति ग्रहण करने पड़ो। श्री श्री ठाकुर माँ मान पाखे आउ गोटे विशेष गुरुत्वपूर्ण चाहिदा हूँ बह बेपार पु झी मान मन मानसिकता चाहिदा चलवा इत्यादि को माँ मान जपर इष्टान पथर परिचालित करती। मनुष्य जीवन सबुठ गुरुत्वपूर्ण दिग हूँ बह कारण यही बह परवर्ती जन्म प्रजनन वंशधर सृष्टि थी था से बह विषय एत सतर्कता प्रतिलोम बहुत जपरी न घटे से माँ मैंने पिला पु झी मान सतर्कता अवलम्बन करने माता मथारे ढुकईदेवा उचित। श्री ठाकुर कहते अन्य विषय ठकी शिखा चले किंतु गोटे बह विषय ठकी शिखा को गले जातिर समूह सर्वनाश हुए रक्तर विपर्जय हूँ सबुठ बड़ विपर्जय यही विपर्जयर समाप्ति गोटे पुरुषर हुए ना वंशर परंपरा क्रमे ये विपर्जय गुणित हो चले बहुगुणित हो चले से खूब सावधान जड़े माँ ता संतान जीवन निर्माण करी जड़े भौणी ता भाई शक्ति साहस प्रदायिनी और जड़े पत्नी ता पति प्रेरणादायिनी नारी जदि यही दिन भूमिका से जी निष्ठा सहित जत्न सहित तार कर्तव्य को संपादन कर निश्चित भाव में गोटे भल संतान से आमदानी कर माँ को निज संतान जीवन निर्माण अति गुरुत्व देवा पड़ो पिला दिन अति अल्प बयस 5 वर्ष बयस ठाकुर कहले ता संतान को शुभ संस्कार शिखाइवाक हेब प्रार्थना योग व्यायाम नीति कथा नीति गल्प पठन श्रवण को पिलार पाठपना रूटीन भितर माने गुंथी देवाक हेब प्रार्थना मनरे पाठ पढ़ा एकाग्रता बढ़ाए शुभ शक्ति पाखरे समस्त मंद शक्ति नाश हुए ईश्वर होचंदी सत्य न्याय शांति दया क्षमा आ सुनित्र भंडार तेणु ईश्वर भक्ति आ विश्वास जो हृदय समस्त सद्गुण गुड़िक विकसित हुए तेणु पिला मानक मध्य जो सकाल संध्यार प्रार्थना करवा सजड़ा संसार प्रथम पाहच एवं भल मनीष गढ़वार हूँ प्रथम प्रयास। आ गोटे देखा खाद्य जो खाद्य आम शरीर को सुस्थ रखिबा वास्तव में शक्ति जगेबा आम मैंने से खाद्य पिला मानक अभ्यास करवा उचित। आजिकाली पिला माने मैगी चाउमिन पिज्जा केक बर्गर इत्यादि फास्टफुड को भल पाउछंती तार को प्रभाव जानी पड़छु किंतु तथापि माँ मैंने सतर्क होना रुटी परोटा चूड़ा कदली देह पई जे केते भलो ताको आमे भूली जाई आम पिला को से जो फास्टफुड दबा हमरो आग्रह कमी नाही। ता छड़ा तापरे आसला पोशाक पोशाक मध्ये हमरो संयुक्त और मार्जित हो सुंदर हो दरकार आम मैंने पिला आम कौन शिक्षा देवा आम माँ मैंने आम मान भर माँ मैंने भी अच्छे से भी शंखा खोली दौरान मुंडर सिंदूर ना पादर अलता ना मुंडर ओढ़ना ना। श्री श्री ठाकुर कहते एमानको देखि दिने एमानकर चलन चरित्र देखि एमानकर एमानकर नारी मानक प्रति मतानत करी होतला किंतु आमे आमे निजर अपसंस्कृति असभ्यता छाप पेला मानक पोशाक रे आज बारी प्रकार समझत पोशाक पिन्नुचंदी आमे बापा मा हे मां हे कि ताको बारण करनहु ता फल रे जो मानक देखिले जेमति स्वत श्रद्धा सम्मान आसे ए अनुभव रो गुरुत्व जने मां ता जियो को सिखेबा दरकार तेणु आ बेसी किसी न कही उजुड़ा संसार किमती सजाड़ा यहाँ माँ मान गुरुदायित्व हवा दरकार। घरे पशु पशु पहरा दंड पूजा पाथुवा चौरा परिच्छन्न घर द्वार ठाकुर घर पूजा बेदी छोट बगीचा रोसई घर छुंक बासना बारी जिम देखी जमी गोटे घरणी माँ गोटे माँ पारिवा परिणा को जाणी हुए ठीक सेमती गोटे शांत भद्र पिलाटीर नम्र आचरण रु ता माँ संस्कार जाणी हुए। आमे समस्ते आसंतु भारतीय नारी आमे आमर परिचय को हजाइबा नहीं आम पिला मानकर जीवन जीवन विज्ञान गोटे पाठ्य खसड़ा बा रूटीन टे प्रस्तुत करी आंतरिकतार सहित से मानकु सुमणिष गढ़ा आम घर हसी उठिब सारा जगत हसी उठिब ठाकुर खुशी हेबो खुशी हेबे कथार अछि गढ़ी जाने घर सुंदर। तेणु समस्ते आसंतु माँ जी जोठी अवस्था थांतु ना कहीं माने जो जो जी जो भूमिकार अभिनय करंतु ना कहीं आम समस्ते आम निर्जर कर्तव्य प्रति सचेतन हेबा एवं आम संसार को गढ़ी नेबा आम ठाकुर खुशी हेबे अमर मातृसम्मिलनी खुशी करवा सार्थक हेब। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। मातृसम्मिलनी वर्तमान संग करवा वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की माता मंडली देवी की पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती जी की जगत जनक की माँ की संघ की मातृ सम्मेलनी की वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। मातृ सम्मेलन संगला जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु माता जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु बोले था मुझे जाने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय गुरु जय गुरु सुंदर है जी जय गुरु बहुत बढ़िया कहि छ आज्ञा दीदी बहुत बढ़िया कर छ आज्ञा दीदी आपन मन का आशीर्वाद दीदी। हां पूरा ना मां परिष्कार कर दे छ पूरा मां रो आसन टा परिष्कार कर दे छ ये माँ मार आसन किए कम रही मु सुने दिखे दीदी मार आसन लो कम रखी अच्छी मु बड़ कही नहीं परिष्कार कही नहीं माने मार आसन टा परिष्कार कर दीजो। हां से परिष्कार से जे परिष्कार कर देला आ मां आसन लो कम है कि किए अछि मार आसन लो भल है जी बिनी भल भल छुआ माने जन्म होई जंदी। ठाकुर से यही करंतो तुम वीडियो टा आनी होनी वीडियो बंद करी के हम कहै छी मो वीडियो समस्त मातृजाति को कहै छी। हां जा बढ़िया है जी ठीक है शैल देखु जने नीते हो आ शैल दे कोन कहउछथि शैल दे कोन कहलेन तो आगे कही सारे जे ममता बहुत सुंदर है तुम्हें जनइबो से तो डाक्टर कतर बस देखुं सब हाँ मो सुनी से कहनी मो सुनी शैलजी कहूले मो सुनी जय गुरु दीदी आपनकर से जागा टाको किंती सफल हैला मु खाली ठाकुर माकुजी आशीर्वाद प्रथम जो सूर्या माने मो खुशी बाहरी बहुत बहुत से आसन टाइम से पूरा परिष्कार कर दी संदेह कार्य नारा मां बहुत डर जाइथिन मु तो पूरा परसदान को ना कहिन मु पूरा मु कहिन दादा मते डर मारछि बहुत दागले नाना भल हबो बोलो तांकर आशीर्वाद अपन मानकर आशीर्वाद ठाकुर चला अरे ठाकुर चलांती परा हाय हाय ठाकुर चिंता करी की बसता ना ये करबो न करियो हां ये करियो चिंता ठाकुर तार जब को उपयुक्त जगह रे की करती है ठाकुर दे 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 बाबा दे भलो छी तो आया जय गुरु आज जय गुरु बहुत जय गुरु मां जय गुरु बढ़िया है जी बहुत सुंदर है जी आज जोस्ना कम कहले किंतु बहुत मूल्यवान कथा गुडा कहि कथा कहले बढ़िया कथा हां जोस्ना कम कथा किंतु मूल्यवान कथा कहले एकदम जा कि आज काली झियो बंकरडा सुनिबाटा निहाती दरकार से माने खाली सोइबा छुआर काम जहां भी कहले जोस्ना बहुत दामी कथा कहले एकदम रिकॉर्डिंग है कि अच्छे पठेणा होची कि तार सुनुची न सुनुची हां बहुत सुंदर सेडा सुनिबा कथा ताकि सिखिबार अछि बहुत सिखिबार माने बहुत किछि सिखिबार अछि।